हेलो, कैसे हैं आप लोग? थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल टू यू ऑल, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे रिव्यू आए, बहुत सारे मैसेज आए, मेल आया। मुझे खुशी हुई कि आप लोगों ने एटलीस्ट समझा, नीड समझा कि मैं एक्चुअली क्यों आना चाह रहा हूँ। मेरा सोल पर्पस और पैसा अर्न करना नहीं है, ना ही मैं लेक्चर्स डाल रहा हूँ यूट्यूब में पैसे अर्न करने के लिए। क्योंकि अगर आप छोटे से भी आप यूट्यूब की पॉलिसी समझोगे, तो यूट्यूब की जो पॉलिसी है उसमें जब तक 100 सब्सक्राइबर्स ना हो पैसे नहीं मिलते बेटा, ठीक है? तो मेरा कोई ऐसा इंटेंशन भी नहीं है कि मैं पैसे कमाने के लिए यूट्यूब में आऊं या आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं। मैं 15 to 16 आवर्स मेहनत कर रहा हूं, सिर्फ आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं। एक्चुअली मुझे आप लोगों के मन से लॉ की डर हटानी है। ट्रस्ट मी, लॉ बहुत ईजी है, बस ये कि आप लोगों को सही गाइडेंस नहीं मिलता, आप लोगों को पागल बनाया जा रहा है, ठीक है? लॉ बहुत ईजी है, बस ये बात है कि हम मटेरियल जो हमें सही पढ़ना चाहिए, हमें मटेरियल सही से नहीं पढ़ते, पढ़ने का तरीका हमारा सही नहीं है। हमें कोई पढ़ने का तरीका नहीं बताएगा, हमें कोई मटेरियल सही नहीं देगा, लेकिन हमें सब कुछ सब लोग देंगे। आईसीआई अगर एक पॉलिसी लेके आएगी एमसीक्यू, तो उसको 600-700 एमसीक्यू बनाएंगे। मुझे आप खुद सोचना बेटा, जब आप लोग सीए बनोगे लाइफ में, मैं आप एक चैप्टर से एमसीक्यू बनाने बैठोगे, आप एक दिन में कितने एमसीक्यू बना लोगे? प्लीज कोशिश करना। मैं आप लोगों के करता हूँ, दिन भर मेहनत करता हूँ, ठीक है? कंपाइलेशंस करता हूँ मैं आप लोगों के लिए बुक की, ठीक है? तब जाके मुझसे एक दिन में 15-16 एमसीक्यू बनते हैं बस। लेकिन नहीं, एमसीक्यू मिल रहे हैं, 600-700 एमसीक्यू की बुक बन चुके हैं। ये सब बेटा आप लोगों को क्या बोलूं मैं, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आप लोग कुछ समझदार हो, समझदार हो यार। 100 मार्क्स का सिलेबस है, 6 मंथ है, मैं बार बार बोलता हूँ, तो एमसीक्यू के पीछे क्यों भाग रहे हो? एमसीक्यू कोई नई चीज नहीं है, वही चीज है जो प्रोविजन से पूछा जाएगा आप लोगों से। और दूसरी बात, जो 600-700 एमसीक्यू बनी हुई है, क्या भरोसा है कि उससे आईसीआई क्वेश्चन पूछेगी? कुछ चांस नहीं है, आईसीआई उनको तो देखेगी भी नहीं। आईसीआई क्वेश्चन पूछेगी अपने मेटेरियल से, अपने मेटेरियल से एमसीक्यू बनाएंगे। इसलिए आप लोगों को तो एमसीक्यू की नाम जब से आईसीआई ने डाला, आप लोगों को एक हिम्मत आनी चाहिए कि अब तो कम से कम एसएम पढ़ना है। सर नहीं, बहुत हो गया, अब एसएम पढ़ना है। लेकिन मैं बच्चों को देखता रहता हूँ, कुछ बच्चे मुझसे पूछे थे, सर व्हेन योर एमसीक्यू बुक विल बी रिलीज? मैं डायरेक्टली बोलता हूँ, सॉरी, एमसीक्यू का कोई बुक नहीं लिखने का मेरे से, ना मैं कोई चार्ट निकालूंगा, ना एमसीक्यू का बुक निकालूंगा। मैं वो सारी चीजें आप लोग देना चाहूंगा जिससे मुझे लगता है कि आप लोग पास हो सकते हो। एमसीक्यू की बुक देने से आप लोग पास हो गए, मैं आप लोगों को क्वेश्चंस बैंक दूं, इससे पास होगी। तो मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को क्वेश्चंस बैंक दूं, ये इससे पास होगी। मैं अपनी मटेरियल्स फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, पीडीएफ फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, क्योंकि ना इससे मेरी कॉस्ट है, ना आप लोगों को कुछ पे करने की जरूरत पड़ेगी। मैं प्रिंट निकालता हूँ तो प्रिंटिंग में मेरी कॉस्ट आ जाती है, इसीलिए शायद मैं आप लोगों को प्रिंट में ना दे सकूं, ठीक है? मैं अपनी मटेरियल के साइड में, जैसे मैंने अभी इन्वेस्टिगेशन का बच्चों से रिव्यू लेके बनाया, उस तरह से मैंने अपनी मटेरियल के साइड में चार्ट दे दूंगा, अपनी मैट्रिक के साइड में समेरी दूंगा, लेकिन मैं अलग से चार्ट नहीं निकालूंगा। क्योंकि बेटा जब मैं अलग से चार्ट निकालूंगा तो आप लोग अलग से चार्ट पढ़ने चले जाते हो और बुक्स को देखते ही नहीं, जबकि यार चार्ट्स कभी भी बुक्स का सप्लीमेंट नहीं हो सकता। चार्ट हम बनाते हैं, रियलिटी बता रहा हूँ, चार्ट सिर्फ इसलिए बनता है ताकि आप लोगों को हम अपनी तरफ खींच सके। मुझे कोई शौक नहीं यार आप लोगों को अपनी तरफ खींचने की, इसलिए आप देख रहे होंगे कि ना मैं वीडियो के थ्रू आता हूँ, ना मैं आप लोगों को अपना फेस दिखा रहा हूँ, ठीक है? मुझे कोई जरूरत नहीं यार, मैं सिर्फ इतना चाहूंगा, मैं बार बार बोलूंगा, प्लीज 100% पढ़ने की कोशिश कीजिए। आप लोग थ्योरी पेपर में, आप लोग आईपीसीसी को रिकॉल करो यार, आप लोग आईपीसी में कितने पढ़ते थे, उतना आप टाइम फाइनल में डिवोट नहीं कर पा रहे हो, ये ट्रूथ है। और इस ट्रूथ को आप समझो और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करो। आप लोग एक चीज देखना, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात करूं तो हर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट 50-60 मार्क्स का तो पीएमसी क्वेश्चन होते हैं, फिर भी हम क्रैक नहीं कर पा रहे। मैं देखो ताने नहीं दे रहा, ना मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ, एक्चुअली बस दिक्कत ये होती है कि हम अगर कुछ बोल देते हैं तो आप लोगों को हॉल्ट हो जाता है, और आप लोग बहुत कहते हो तो एक कमेंट दे देते हो कि सर आपने ऐसा बोल दिया, सर आप खुद ही किस्मत से पास हुए होगे इसीलिए ऐसा बोल रहे हो, ठीक है? मेरा ऐसा कोई बिल्कुल इंटेंशन नहीं है आप लोगों को बोलने का, लेकिन मैं आप लोगों से थोड़ा दुखी हूँ। आप लोग फाइनल में आ गए बेटा, फाइनल में आने के बाद भी आप लोग चार्ट के पीछे भाग रहे हो,
एमसीक्यू के पीछे भागोगे, आईपीसीसी के बच्चे भागते हैं एमसीक्यू के पीछे, आईसीएआर ने एमसीक्यू ला दिया सर अब क्या होगा क्या नहीं होगा। कभी आप लोगों ने ये सोचने की कोशिश ही नहीं की कि सर इस चैप्टर की एग्जाम में वेटेज कितनी है, सर पहले कौन सा चैप्टर पढ़ूं। बस टीचर्स आपको करा देंगे पहले डायरेक्टर्स लेक्चर नंबर वन, डायरेक्टर्स लेक्चर नंबर टू, डायरेक्टर्स लेक्चर्स नंबर थ्री डायरेक्टर। अरे बेटा लेक्चर्स नंबर 10 तक डायरेक्टर जाएगा, ये भरोसा करो, डायरेक्टर्स इतनी बड़ी चैप्टर से लेक्चर नंबर 10 तक जाएगा, और जिसके एग्जाम में वेटेज 20 मार्क्स की भी नहीं होगी। और जो छोटे छोटे चैप्टर है, मैं आप लोगों को एक बार कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ, देखना आप लोग कैलकुलेशन करके देखना, फिर आप बोलोगे कि सर आप सही बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो। कैलकुलेशन करना बेटा, करना कैलकुलेशन है आप लोगों को। छोटी सी चैप्टर है सेक्शन 123 से लेकर 127 तक डिविडेंड, जो एग्जाम में 4 मार्क्स का हर बार आता है। छोटी सी चैप्टर है स्पेशल कोड, जो 435 से लेकर 446 बी तक है, जो एग्जाम में हर बार 4 नंबर का आता है। छोटी सी चैप्टर है आप लोगों के एनसीएलटी, जो एग्जाम में हर बार 4 नंबर का आता है। अब देखा कि एनसीएलटी में अभी तो स्टार्टिंग से क्वेश्चन पूछेंगे आईसीआई 2-3 अटेम्प्ट तक। आपके पास ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट है, आज तक किसी बच्चों को, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, आज तक किसी को ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का सही से मतलब समझ नहीं आया होगा, हम बस ऊपर से पढ़ लेते हैं। आप लोगों ने कितने बच्चे होंगे जिन्होंने एसएम में ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट में आईसीआई ने कम से कम 20 केस लॉ डाले हैं, किसी को आइडिया है उस 20 केस लॉ का? आप लोगों को दिखेगा भी नहीं केस लॉ, क्योंकि वो पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। आप लोग बोलोगे आप लोगों केस लॉ के नाम पे प्रोविजंस एनालिसिस कंक्लूजन ऐसे लिखा हुआ चाहिए। बेटा प्लीज समझो इंपोर्टेंस, ऑपरेशंस मिसमैनेजमेंट जो एग्जाम में 4 नंबर की वेटेज रखता है, आपके पास इन्वेस्टिगेशन चैप्टर से जो एग्जाम में 8 नंबर का वेटेज रखता है, आपके पास पामला है बहुत छोटी सी चैप्टर है, ऐसे ने बहुत छोटा चीज पूछता है, क्योंकि पामला इतनी बड़ी चीज है। इसी कारण है कि पामला का फुल फ्रेज आईसीआई ने इलेक्टिव पेपर में डाला है, लेकिन आप लोगों को नहीं डाला। आप उसको देखो, वो आपको 4 मार्क्स का हर बार आता है, कॉम्पिटिशन एक्ट हर बार 4 नंबर की आती है, बहुत छोटी सी एक्ट है। आपका बैंकिंग और इंश्योरेंस है, इतनी छोटी एक्ट है, 4 नंबर का आता है। ओल्ड सिलेबस वालों के लिए इंटरप्रिटेशन इतनी इजी चीज है जो 4 नंबर में आती है और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, देखो आप उसको करो। आपके पास प्रोड्यूसर्स कंपनी जो एग्जाम में 4 नंबर का आता है उसको करो। अब न्यू सिलेबस वाले इंटरप्रिटेशन हटा के आप देखो फाइन कंट्रीब्यूशन या आर्बिट्रेशन, लेकिन नहीं हमें उस पर 44 मार्क्स जो इतनी इजी चीज है, जो 44 मार्क्स का इजी है, इस पर नहीं ध्यान देना है। हम पूरा ध्यान कहाँ दे देते हैं, सर 20 मार्क्स का डायरेक्टर, सर डायरेक्टर्स करा दो, डायरेक्टर करा दो। आपको मैं ट्रूथ बता रहा हूँ यार, ये चीज हट दिल से मत लेना, ना ही मैं आप लोगों को कुछ कहना चाह रहा हूँ, ना डांटने की मेरा मूड है एक्चुअली, ना बेटा मुझसे आप लोगों को कुछ फायदा होगा, ना मुझे आप लोगों से कुछ फायदा है। ये लाइफ की ये रूल है, आप सीए बनोगे आपको तो याद भी नहीं होगा किसने सीए बनाया, क्यों सीए बने आप। टीचर्स को तो हम भी भूल गए, हमें हम जिनसे पढ़े थे हम भूल गए किन्होंने हमें पढ़ाया था, सिर्फ नाम याद रहते हैं टीचर्स के। इसलिए बातों को बुरा मत मानना, बेटा मैं इतना कहूंगा जब भी आप लॉ पढ़ने बैठो तो एक दिन में कोशिश करो 5-6 चैप्टर को एक दिन में खत्म कर दो, छोटे छोटे चैप्टर। और मेरा भरोसा है, आप देख सकते हो जब मैं एक रिकॉर्डिंग करता हूँ तो 1 घंटे में रिकॉर्डिंग करता हूँ, तो आप लोग खुद पढ़ने बैठोगे तो आधे घंटे में पढ़ोगे उस चैप्टर को। तो इन छोटे चैप्टर को, स्मॉल चैप्टर्स को आप पहले खत्म करो और इनसे फटाफट साथ साथ क्वेश्चन बैंक लगा लो। आप लोगों के मन में आ रहा होगा सर क्वेश्चन बैंक कहाँ से आएगा, क्योंकि आईसीआई की पीएम में तो 12-13 क्वेश्चन है, छोटे चैप्टर में 2-3 क्वेश्चन है। मैं प्रोवाइड कराऊंगा क्वेश्चन बैंक, यस मैं प्रोवाइड कराऊंगा क्वेश्चन बैंक आप लोगों को। जितनी पॉसिबल एरिया होंगे सारे एरिया से कंपैरिजन करूंगा क्वेश्चन बैंक की, मैं आप लोगों को दूंगा, आप लोग बस पढ़ो और साथ साथ चैप्टर वाइज करो। और मुझे बेटा मेल करना, आप लोग अपने रिव्यू देना, मैं आप लोगों को चाहूंगा कि आप लोग मुझे मेल करके बताओ कि मेरा मेल आईडी है ये, सॉरी मैंने दूसरा मेल आईडी दिया आपको, wellweiser01995@gmail.com मेरा ईमेल आईडी है wellweiser wellweiser01995@gmail.com। इस पे आप मुझे अपना रिव्यू दो, मैं आप लोगों को क्वेश्चन बैंक दूंगा, टेंशन मत लो, सारे सब्जेक्ट चैप्टर्स के दूंगा। लेकिन बस मैं इतना चाहूंगा कि आप लोग जिस तरह से पढ़ना चाहिए उस तरह से पढ़ पा रहे हो या नहीं, मुझे बताना एक बार, सर हमारा ये चैप्टर्स हो गया, सर मैंने इसके क्वेश्चन लगा लिए। अगर आप लोग बोलोगे प्लीज मुझे बोलो सर हमारा टेस्ट ले लीजिए, हम टेस्ट लेंगे आप लोगों को, मैं आपका टेस्ट, हम लेंगे टेस्ट। एक्चुअली हमारे पास मेरा एक पार्टनर्स भी है
ही और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हम लेंगे टेस्ट आपसे, ठीक है। तो बोलो यार प्लीज, दिल खोल के पढ़ो और ये एमसीक्यू के पीछे मत भागो यार, ठीक है। चलो हम शुरू करते हैं, 10 मिनट का थोड़ा ज्यादा हो गया आज, सॉरी। शुरू करते हैं, आप हम पढ़ने वाले बेटा इंस्पेक्शन इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। सुनना बेटा क्या हो गया इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन की, आप लोग ये नोट मिल जाएगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा, आपको सेक्शन 206 से लेके सेक्शन 229 तक पढ़ना है। कॉपी में फटाफट लिखो और याद करो, डिविडेंड में पढ़ा था 123 से लेके 123 से लेके 127 तक, क्योंकि फिर हम आगे बाद में पढ़ेंगे कि 128 से अकाउंट्स एंड कंपनी शुरू होने वाला है, तो बाद में पढ़ेंगे। फिर स्पेशल कोड पढ़ा था 435 से लेके 446 बी तक। फिर आपने एनसीएलटी पढ़ा था 407 से लेके 434 तक। फिर आपने ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट पढ़ा 241 से लेके 246 तक। अब आज पढ़ने वाले हो इंस्पेक्शन इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, जो कि 207 से लेके 229 तक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो हम शुरू करते हैं ये चैप्टर एट ग्लैंस से बेटा, एक बार आप बस देख लो ऐसे ही, क्या आप लोग आपका जब मटेरियल रहेगा ना तो आप लोग हाईलाइट करके पढ़ने में इजी रहेगा, अगर मैं यहाँ कुछ बोलूंगा तो इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। ठीक है अब शुरू करते हैं बेटा ये चैप्टर्स, ठीक है। मैंने आप लोग बेटा इस मटेरियल में क्या किया है, बच्चों को पूछने के बाद बच्चों ने मुझे सजेशन दिया कि सर मुझे हमें बहुत बच्चे स्टार्ट समरी मांगते थे, सब मुझसे स्टार्ट मांगते थे, लेकिन मैं चार्ट के अग्निस्ट में रहता हूँ। तो मैंने क्या किया, अपनी मटेरियल में ही थोड़ा कॉन्साइज करके, जगह को कॉन्साइज करके मैंने साइड में चार्ट बना दी। ये एक्चुअली देखो हर टीचर्स क्या करते हैं, बेरेट कॉपी करते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज सभी टीचर्स का एक ही रहता है, इसलिए आपके पास जो भी बुक हो, अगर आप मेरा बुक रेफर ना करना चाहो, क्योंकि जरूरी भी है कि हम जिस बुक से पहले पढ़ रहे हैं उन्हीं बुक से पढ़ना चाहिए, तो किसी भी टीचर ऑथर्स की आपके पास बुक हो उस बुक्स के साइड में आप समरी लिखना। ये समरी एक्चुअली मैंने बेरेट के लैंग्वेज में ही कॉपी किया है, मैं कभी भी बेटा अपनी लैंग्वेज देने के फेवर में कभी नहीं रहता, क्योंकि आईसीआई को जो लैंग्वेज चाहिए उनको भी एक्ट का लैंग्वेज चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि मैं अगर अपनी लैंग्वेज दूंगा फिर आप मेरी लैंग्वेज पढ़ोगे, उसका थोड़ा मिला के फिर अपनी लैंग्वेज में लिखोगे एग्जाम में, तो आईसीआई मार्क्स काट सकता है। इसीलिए मैंने ऑलमोस्ट कोशिश किया है बेरेट के लैंग्वेज को साइड में समरी करने का, ठीक है। तो हम समरी के साइड से ही पढ़ेंगे और फटाफट खत्म करेंगे, ठीक है। तो बेटा इंस्पेक्शन इंक्वायरी में क्या होता है कि जब भी कंपनी या बड़ी कॉर्पोरेट अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है, उन कंपनियों को इन्वेस्टिगेट कर सकता है। तो उन कंपनियों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया हुआ है सेक्शन 206 से लेकर 229 तक, पक्का याद रहेगा। अब सुनना बेटा सेक्शन 206 क्या बोलता है, सेक्शन 206 की हेडिंग है बेटा पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन इंस्पेक्ट बुक्स एंड कंडक्ट इंक्वायरी। सेक्शन 206 में रजिस्ट्रार को पावर दिया गया है कि बुक्स एंड इंफॉर्मेशन मंगवाने के लिए, और जो बुक्स एंड इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार मंगवाएगा उसके अकॉर्डिंग चेक करने के बाद वो सोचेगा कि उनको सेक्शन 407 में, ठीक है, इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी करना है या नहीं, ठीक है। चलो हम पढ़ते हैं बेटा क्या लिखा हुआ, देखना क्या बोलता है सेक्शन 206 बोलता है, स्क्रूटनी ऑफ एनी डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार इज इन द ओपिनियन दैट इफ फर्दर इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट इज नेसेसरी ही मे कॉल बाय रिटन नोटिस फर्निश सच इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट। बोल रहा है जब भी रजिस्ट्रार को, ठीक है, लगता है रजिस्ट्रार के पास जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग रजिस्ट्रार को लगता है कि कुछ और फर्दर इंफॉर्मेशन मंगाने चाहिए, कुछ फर्दर डॉक्यूमेंट्स मंगाने चाहिए, तो रजिस्ट्रार बाय रिटन नोटिस, याद रखना रजिस्ट्रार बाय रिटन नोटिस फर्दर डॉक्यूमेंट्स मंगा सकता है, ठीक है। अब सुनना, जब भी रजिस्ट्रार ने बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स मंगाया, प्रेजेंट कंपनी के प्रेजेंट एम्प्लॉई हो या पास्ट एम्प्लॉई हो, उन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस रजिस्ट्रार को जो भी एक्सप्लेनेशन देना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स देना है, जो भी इंफॉर्मेशन देना है, और उनको जो सही लगता है टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज उनको देना है, ठीक है। क्या बोलता है, इट इज अ ड्यूटी ऑफ द कंपनी इट्स प्रेजेंट एम्प्लॉई एंड ऑल्सो पास्ट एम्प्लॉई एम्प्लॉई के लिए क्लियर टेन्योर तक फर्निश सच इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज रजिस्ट्रार विद इन टाइम स्पेसिफाइड इन नोटिस। नोटिस में जितना टाइम लिखा हुआ है उतने टाइम के अंदर देना है, ठीक है। चलो ठीक है, तो आपको याद रखना है पहले 206 में क्या किया उन्होंने कि रजिस्ट्रार के पास जो भी इंफॉर्मेशन थे उनके बेसिस पे रजिस्ट्रार क्या करेगा, अगर उनको डाउट हुआ कि और फर्दर डॉक्यूमेंट्स मंगाने चाहिए तो वो रिटर्न में नोटिस देगा कंपनी को कि सर
हमें और इन्फॉर्मेशन से डॉक्यूमेंट्स लाके दो। और जब ये नोटिस आया तो कंपनी की प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉई सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने टू द बेस्ट ऑफ नॉलेज क्या करे, अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराए, जो भी डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन देना है, जो भी एक्सप्लेनेशन देना है, टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज क्या करें दे। ठीक है, क्या बोलता है कि अगर मान लो रजिस्ट्रार को ये लगा, अगर रजिस्ट्रार को क्या लगा कि जो भी इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट मिला है उन्होंने इन एडिक्वेट डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंट दिया या इन्फॉर्मेशन दिया, मतलब इन्फॉर्मेशन सही नहीं दिया या इन्फॉर्मेशन तो दिया अच्छे से लेकिन सेटिस्फैक्ट्री इन्फॉर्मेशन नहीं है या इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं, तीन केस याद रखना। इन्फॉर्मेशन दिया जो कि क्या है, इनएडिक्वेट है पहला, दूसरा इन्फॉर्मेशन जो दिया वो क्या अनसेटिस्फैक्ट्री है, या तीसरा इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं। तो इन तीनों केस में रजिस्ट्रार क्या करेगा, दोबारा नोटिस देगा रिटर्न में लिख के कि सर मुझे और डॉक्यूमेंट एक्सप्लेनेशन चाहिए। पक्का याद रहेगा, देखो सेक्शन 203 206 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है, नो इन्फॉर्मेशन इज फर्निश्ड, इन्फॉर्मेशन फर्निश आर इनएडिक्वेट, या तो इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं, इन्फॉर्मेशन दिया जो कि क्या इनएडिक्वेट है, और ही सेटिस्फाइड दैट इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट फर्निश आर अनसेटिस्फैक्ट्री, या रजिस्ट्रार को लगता है वह डॉक्यूमेंट क्या है अनसेटिस्फैक्ट्री है, तो ही मे अनदर रिटन नोटिस, याद रखना। अब क्या करता है कि मैं बाय अनदर रिटन नोटिस, दोबारा रिटन नोटिस देगा। हमेशा याद रखना, क्वेश्चन सकता है कि उसने डायरेक्ट कॉल पे मंगवा लिया, कॉल पे मंगाना कभी भी अलाउ नहीं है, बाय रिटन नोटिस ही मंगना पड़ेगा। आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप बाय रिटन नोटिस मांगो। ठीक है, पक्का याद रहेगा। चलो देखो आप क्या बोलता है सेक्शन 206(4) क्या बोलता है, ऑन सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार इन द ओपिनियन दैट कंपनी इज बीइंग कैरिड फॉर अनलॉफुल या फ्रॉडुलेंट पर्पस और नॉट इन कंप्लायंस विद प्रोविजंस ऑफ लॉ, देन ही मे कॉल कंपनी टू गिव इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशंस ऑन द मैटर स्पेसिफाइड इन ऑर्डर कैरी आउट इंक्वायरी एज डीम्ड फिट। इनसे सुनना बेटा क्या बोल रहा है, पहले तो उसने क्या किया, ध्यान सुनना, सेक्शन 206 की ओवरव्यू मैं आपको बताऊं। पहले उन्होंने क्या किया, उनके पास जो भी मटेरियल मिले थे, उनको जो भी इंफॉर्मेशन उनके पास थे, उनके बेसिस पे उन्होंने क्या किया, रिटन नोटिस देके फॉर द इंफॉर्मेशन कॉल करवाया। फॉर द इंफॉर्मेशन कॉल कराते ही रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बन जाती है, प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉय की बन जाती है कि जो भी इंफॉर्मेशन वो मांग रहे हैं, जो भी एक्सप्लेनेशन वो मांग रहे हैं, जितना तक इनको पता है टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज ये प्रोवाइड कराएं। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया कि जो इन्फॉर्मेशन मिली या इन्फॉर्मेशन नहीं मिली या और वो इन्फॉर्मेशन क्या थी, इनएडिक्वेट या अनसेटिस्फैक्ट्री था, उन्होंने बाय अगेन बाय फर्दर रिटन नोटिस दोबारा मंगवाया। ठीक है, अब जो मिला इन्फॉर्मेशन उसके बाद उनको लगता है कि कंपनी क्या है फ्रॉडुलेंट पर्पस पे या अनलॉफुल पर्पस पे काम कर रही है। कंपनी किस पर्पस पे काम कर रही है, फ्रॉडुलेंट या अनलॉफुल पर्पस पे काम कर रही है, तो अब रजिस्ट्रार क्या करेगा, इनका सोचो क्या करेगा, इनसे फर्दर इन्फॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन मांगेगा, ध्यान सुनना, या इंक्वायरी करवाएगा। पक्का याद रहेगा, फर्दर इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन मांगेगा या इंक्वायरी करवाएगा। ठीक है, लेकिन बेटा याद रखना सेक्शन 206 में रजिस्ट्रार इंक्वायरी करवाने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो देगा कंपनी को, और ये भी लिख के बताएगा कि आपको हमें क्या शक है कि आपने कहां पे गलती कर रखा है और किस कारण से हम आप पे क्या करवा रहे हैं, इंक्वायरी करवा रहे हैं। पक्का याद रहेगा, मैंने यहाँ पे देखो नोट में लिख दिया हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है, ओनली आफ्टर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड एंड इन्फॉर्मिंग द कंपनी ऑफ द एलिगेशंस मेड अगेंस्ट इट। ठीक है, आप पक्का याद रहेगा कि डायरेक्टर इंक्वायरी भी अगर करवाएगा तो पहले उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा और अपने ऑर्डर में लिख के देगा विद रीजन कि किस कारण से आप पे इंक्वायरी करवाया जा रहा है। पक्का याद रहेगा, ये बेटा हुआ आपका सेक्शन 206। सेक्शन 206 में एक और बात लिखी हुई है, सीजी भी अगर सुमोटो चाहे ना और सीजी को लगता है इन्वेस्टिगेशन कराना जरूरी है तो इतना ऑर्डर लेटर का रिक्वेस्ट टाइम नहीं लगाएगा, वो डायरेक्ट क्या कर देगा, वन और मोर इंस्पेक्टर को अपॉइंट करेगा और इंस्पेक्शन करवा देगा। पक्का याद रहेगा बेटा, यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान सुनना, इवन इफ सीजी इज ओपिनियन दैट, अगर सीजी को लगता है कि सर्कमस्टेंसेस सो वारंट, सर्कमस्टेंसेस उसको लगा तो वो क्या कर देगा,
बुक्स ऑफ अकाउंट का इंस्पेक्शन करवा सकता है, सीजी खुद भी करवा सकता है। सीजी इसके लिए आपको इतने दामे नहीं करेंगे कि बुक्स ऑफ अकाउंट मंगाएंगे फिर फादर बुक्स ऑफ अकाउंट मंगाएंगे, इतना नहीं करेगा। ठीक है, पक्का रहेगा। अब सुन ध्यान से बेटा, मैंने लिख दिया हुआ है कि हेयर सीजी जनरल स्पेसिफिक ऑर्डर टू ऑथोराइज एनी स्टेट्यूटरी बॉडी टू कैरी आउट इंस्पेक्शन। क्योंकि बेटा देखो, सीजी खुद तो इंस्पेक्शन नहीं करेगी, तो सीजी क्या करता है, वन और मोर इंस्पेक्टर अपॉइंट करता है। ध्यान से रखना, सीजी क्या करता है, वन और मोर इंस्पेक्टर अपॉइंट करता है जो क्या करेगा, इनका इंस्पेक्शन करेगा। ठीक है, अब सुनना, अगर कंपनी के इंप्लॉय जो दोस्त समय बुक्स मंगा रहे हैं उन्होंने बुक्स देने से मना किया या बुक्स दिया जो भी गलत था, अनसेटिस्फैक्ट्री बुक दिया, बुक्स दिया, इंफॉर्मेशन दिया ऑफिसर्स को, 5 लाख तक की ऑफिसर्स को 5 लाख तक फाइन देना पड़ सकता है। याद रखना, ऑफिसर्स को फाइन देना पड़ता है नॉट एक्सीडिंग 1 लाख। और अगर ये नेचर्स कंटिन्यूअस नेचर से आपने लगातार मतलब इतनी बार बोलने के बाद भी आप बुक्स नहीं दे रहे हो या सही से आप इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे, तो 500 पर डे और एड कर देंगे। क्या कर देंगे, 500 पर डे और एड कर देंगे। ये सेक्शन देखो क्या लिखा हुआ है, फेलियर टू कंप्लाई विद सेक्शन 206। अगर आपने सेक्शन 206 कंप्लाई नहीं किया तो ऑफिसर्स को अप टू 1 लाख एंड ट्रेनिंग नेचर ऑफ फाइन है तो एडिशन 500 रुपए पर डे। ठीक है, और कंपनी को भी सेम है बेटा, कंपनी को भी यहाँ पे फाइन सेम है, मतलब सेक्शन 206 में ऑफिसर्स हो या कंपनी दोनों के लिए फाइन का अमाउंट क्या है, सेम है। ठीक है, अब बेटा बुक्स ऑफ अकाउंट चेक तो हो गई, अब 207 में आते हैं इंस्पेक्शन करेगा। जो यहाँ पे सीजी बोल रहा है ना, यहाँ पे सीजी बोल रहा है और ऊपर रजिस्ट्रार को लग रहा था कि इंस्पेक्शन करना जरूरी है, तो वो इंक्वायरी करवाएगा। तो इंस्पेक्शन इंक्वायरी कहाँ पे करवाएगा, सेक्शन 207 के अकॉर्डिंग करवाएगा। ते बेटा हम सेक्शन 207, ठीक है, जहां पे आपको पढ़ेंगे इंस्पेक्शन इंक्वायरी करवाना है। ठीक है, बेटा क्या बोल रहा है, कंडक्ट ऑफ इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी। ये पक्का रहेगा, सेक्शन 206 में तो सिर्फ पावर क्या दिया गया है, बुक्स ऑफ अकाउंट मंगाने की, और वहां पे अब बुक्स ऑफ अकाउंट को देखने के बाद रजिस्ट्रार को लगता है कि इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी करवाना है, तो कहां पे करवाएगी, सेक्शन 207 के अकॉर्डिंग करवाएगी। सीजी भी करवाएगी तो किसके अकॉर्डिंग करवाएगी, सेक्शन 207 के अकॉर्डिंग करवाएगी। प्लीज पक्का याद रखना, ठीक है, सेक्शन 206 में तो सिर्फ बुक्स मंगवाने का पावर है, इन्फॉर्मेशन मंगवाने का पावर है। ठीक है, अब सेक्शन 207 में बोलता है कि जो भी बुक्स एंड डॉक्यूमेंट मंगवाया जा रहा है सेक्शन 206 में, पक्का याद रखना, सेक्शन 207 बोलता है कि जो भी इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट मंगाया जा रहा है सेक्शन 206 में, तो कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी कंपनी की डायरेक्टर्स की, ऑफिसर्स की, एम्प्लॉय की, सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो क्या करे, सारे असिस्टेंस प्रोवाइड कराए, सारे असिस्टेंस क्या करे, प्रोवाइड कराए। ठीक है, सारे बुक्स एंड डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराए, पक्का याद रहेगा। इवन इफ, अब जब यहाँ पे इंस्पेक्टर आएगा तो इंस्पेक्टर को भी सब कुछ देना पड़ेगा, पक्का याद रहेगा बेटा, सेक्शन 206 के लोगों को भी देना पड़ेगा और इंस्पेक्टरों को भी यहाँ पे देना पड़ेगा, ये सेक्शन 207 बोलता है, पक्का समझ रहे हो। अब बेटा याद रखना, इंस्पेक्टर को जब इंक्वायरी कर रहा होता है ना, तो किसी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में आइडेंटिफिकेशन मार्क्स लगा सकता है, मतलब मार्क कर सकता है, जैसे मान लो इस क्रिएटर पे उनको डाउट हुआ तो क्रिएटर पे सर्किल लगा सकता है, या फिर उसके फिगर को नोट कर सकता है, साइड में लिख सकता है कि आज की टोटल्स मैंने इतना तक चेक किया, ये लिख सकता है। और बेटा सेक्शन 207 में मैं आपको अभी बताता हूँ, और हम सेक्शन 217 जब आगे पढ़ेंगे पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर, तो वहां की बातें भी बोल देता हूँ कि इनको सारे पावर दिए गए जो भी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में दिया गया है। इंस्पेक्टर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 207 में सारे पावर दिए गए हैं जो भी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में वहां पे दिया गया है। ठीक है, अब सुनना है बेटा क्या क्या का पावर दिया गया है, पहले हम लगातार पढ़ लेते हैं बेटा क्या बोलता है। सेक्शन 207 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, व्हेन इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स आर अंडर सेक्शन 206 नाउ इट्स बिकम ड्यूटी ऑफ डायरेक्टर्स, ड्यूटी ऑफ ऑफिसर्स एंड ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉय टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट एंड फर्निश सच इंफॉर्मेशन एंड रेंडर ऑल असिस्टेंस कनेक्शन विद इंस्पेक्शन। तो क्या बोलता है, रजिस्ट्रार या इंस्पेक्टर मेकिंग इंक्वायरी अंडर सेक्शन 206 में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंस्पेक्शन कैन मेक टू द बुक्स ऑफ अकाउंट और मेक आइडेंटिफिकेशन मार्क। याद रखने बेटा, मैंने आपको बोला ना, जो इंस्पेक्टर रजिस्ट्रार जो भी इंस्पेक्शन करने आते हैं, ठीक है, उनके पास पावर है बेटा कि वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में आइडेंटिफिकेशन मार्क कर सकते हैं या बुक्स ऑफ अकाउंट की कुछ भी कॉपी को प्रिंट निकाल के लेके घर जा सकते हैं। ठीक है,
यहाँ लिखा हुआ देखो बेटा क्या बोलता है, दे हैव मेन नोट में लिखा है कि दे हैव ऑल द पावर्स एज आर वेस्टेड इन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। उनके पास कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में जो भी पावर दिए गए सारे पावर है। और बेटा याद रखना कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में तीन पावर दिया गया है, ठीक है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में पावर दिया गया बस। ला डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, प्लीज आप लोग सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है, डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। दूसरा समोइंग एंड इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ पर्सन्स एंड एग्जामिनेशन देम ऑन ऑर्थ, समोइंग एंड इन्फोर्सिंग अटेंडेंस ऑफ पर्सन्स एंड एग्जामिनेशन देम ऑन ऑर्थ। और लास्ट है इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स एंड डॉक्यूमेंट कीप्ट एट एनी प्लेस बाय कंपनी, याद रखना एनी प्लेस, मतलब जो भी इंस्पेक्टर सेक्शन 207 में इंस्पेक्शन करने आया है, इंक्वायरी करने आया है, वो कंपनी के किसी भी जगह पे बुक्स रखा हो वहां पे जाके इंस्पेक्शन कर सकता है, पक्का याद रहेगा। चलो पहला आप बुक्स ऑफ अकाउंट को डिस्कवरी या प्रोडक्शन कर सकते हो, आप किसी भी पर्सन को समोइंग कर सकते हो, इन्फोर्स कर सकते हो, और उसको उनको ओथ पे एग्जामिन कर सकते हो, और क्या बोल सकते हो इंस्पेक्शन कर सकते हो बुक्स ऑफ अकाउंट की, पक्का याद रहेगा। चलो अब बोलता है बेटा 207 में, अब बोलता है पेनल्टी, अगर किसी डायरेक्टर ने डिसओबे किया, अगर किसी डायरेक्टर ने डिसओबे किया तो भी डायरेक्शन इश्यूड बाय इंस्पेक्टर, तो उनको तुरंत ऑफिस वैकेंट करना पड़ जाएगा, उनको तुरंत वो ऑफिस वैकेंट करना पड़ जाएगा, और उनको किसी भी दूसरे ऑफिस के लिए डिसक्वालीफाई माना जाएगा, पक्का याद रहेगा, ठीक है। आप याद रखना बेटा उसे हम डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ेंगे सेक्शन 164 पढ़ेंगे जब डायरेक्टर्स, वहां पढ़ेंगे, वहां भी पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ भी देख लेते बेटा क्या बोलता है, इफ एनी डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स, यहाँ लिखो क्या लिखा बेटा, इफ एनी डायरेक्टर्स और ऑफिसर डिसओबे एनी डायरेक्शंस इशूड बाय, देन दे शैल हैव टू वैकेंट देयर ऑफिस एंड सच वैकेंसी शैल बी डीम्ड टू बी डिस्क्वालिफाइड फॉर होल्डिंग ऑफिस ऑफ इन एनी ऑफिस। अगर एक बार यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन लग गई आपको, यहाँ पे आपने अगर ऑफिस वैकेंट करने की नौबत आ गई, तो आप सारे कंपनियों के लिए क्या हो जाओगे, डिस्क्वालिफाई हो जाओगे, मतलब सारे कंपनियों को क्या करना पड़ेगा आपको, वहां पे आपको डायरेक्टरशिप छोड़नी पड़ेगी, ओके याद रहेगा। चलो अगर आपने सेक्शन 207 का कॉन्ट्रावेंशन किया तो फाइन भी लगेगा एंड शैल ऑल्सो बी लायबल फॉर फाइन, मतलब वैकेंसी तो है तो उसके साथ साथ फाइन भी है, फाइन कितना बोलता है 30,000 से लेके 1,00,000 तक, और इंप्रिजनमेंट 1 साल तक का, पक्का याद रहेगा। फाइन कितना है बेटा 25,000 से लेके 1,00,000 तक, और इंप्रिजनमेंट 1,00,000 तक का, पक्का याद रहेगा। सेक्शन 207 की सारी बातें याद रहेगी बेटा, एक बार मैं रिकॉल करा दूं दोबारा, तो एक बार रिकॉल कर लेते फटाफट, ठीक है, तो 206 भी रिकॉल ही कर लेते फिर फटाफट, ठीक है, 206 भी रिकॉल कर लेते हैं, और 207 भी रिकॉल कर लेते फटाफट, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला बेटा, फटाफट रिकॉल करते हैं, मैंने क्या बोला कि देखो मैंने यहाँ लिखता हूँ, मैं फटाफट फटाफट दिखाता हूँ आपको, ठीक है। मैंने बोला कि जब कोई भी डॉक्यूमेंट आप रजिस्ट्रार, कोई भी डॉक्यूमेंट, मैं अब यहाँ की बातें बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना, कि बोलता है कि रजिस्ट्रार के पास जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके बाद रजिस्ट्रार को लगता है कि उसको और डॉक्यूमेंट मंगवाने चाहिए, बाय रिटर्न नोटिस मंगवा लेगा, ठीक है। और जब रिटर्न नोटिस देगा तो कंपनी की प्रेजेंट एम्प्लॉय और कंपनी के पास्ट एम्प्लॉय सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एडर को क्या करे, सॉरी रजिस्ट्रार को सहयोग करे, तो बेस्ट ऑफ दियर नॉलेज जो भी इन्फॉर्मेशन मांग रहा है दे, जो भी डॉक्यूमेंट मांग रहा है दे, जो भी एक्सप्लेनेशन मांग रहा है दे, ठीक है। बोलता है 206(3) बोलता है, सेक्शन 3 क्या बोलता है, अगर आपने इन्फॉर्मेशन नहीं दिया या एक्सप्लेनेशन नहीं दिया या दिया जो कि इनएडिक्वेट था या अनसेटिस्फैक्ट्री था, ठीक है, तो वो बाय रिटर्न नोटिस एनोदर रिटर्न नोटिस और मंगवाएगा आपसे, क्या करेगा, और डॉक्यूमेंट या एक्सप्लेनेशन मांगेगा, ठीक है। और 204 में बोलता है, 206(4) में क्या बोलता है, अगर आपसे जो भी चीजें मिली हमें रजिस्ट्रार को जो भी चीजें मिली उसके बाद उसने देखा कि कंपनी अनलॉफुल पर्पस के लिए चल रहा है या कंपनी फ्रॉडुलेंट पर्पस पे चल रहा है, जिस पर्पस से कंपनी बनी थी उस पर्पस से नहीं चल रहा, तो 206 में वो क्या कर सकता है, 207 में वो क्या कर सकता है, इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी करवा सकता है। लेकिन इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी करवाने से पहले उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड कंपनी को देना पड़ेगा और ऑर्डर में लिख के देना पड़ेगा कि आप पे कौन सा एलिगेशन लगाया गया है, मतलब किस बेस पे आपको इंस्पेक्शन करवाने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। और बोलता है बेटा सीजीबी चाहे तो क्या कर सकता है, इंस्पेक्शन से इंक्वायरी कर सकता है। देखो सेक्शन 206(5) यहाँ देखना, यहाँ पे देखना बेटा 20 में, मैं समरी के साइड से चल रहा हूँ, तो बोलता है कि इवन सीजी को भी लगता है उस सरकमस्टेंस से ऐसा है कि बुक्स एंड पेपर मंगवाने चाहिए, इंस्पेक्शन करने चाहिए, वो भी एक से ज्यादा इंस्पेक्टर को अपॉइंट कर सकता है, ठीक है, भी एक से ज्यादा इंस्पेक्टर को डायरेक्ट ऑर्डर स्पेसिफिक ऑर्डर देके अपॉइंट कर सकता है टू कंडक्ट इंस्पेक्शंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ कंपनी, पक्का याद रहेगा। सीजी सुमोटो भी कर सकता है इसका मतलब ना। चलो अब फेलियर होता है, कितना बड़ा था मैंने बेटा, फेलियर होता है अगर आपने कोई भी
206 की बातें को कॉन्ट्रावेंशन किया, ऑफिसर्स को फाइन है 1,00,000 से लेके कंटिन्यू ना चले तो 500 रुपया फाइन, कंपनी को भी सेम है। ठीक है, आते हैं बेटा हम ने 207। 207 में क्या बोलता है कि जब भी इंफॉर्मेशन मंगाया जा रहा है, डॉक्यूमेंट मंगाया जा रहा है, तो प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉय सबकी, ऑफिसर्स की या डायरेक्टर की सबकी है कि सारे असिस्टेंस प्रोवाइड कराए, सारे डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराए उनको इन रिलेशन टू इंस्पेक्शन। ठीक है, और क्या बोलता है कि जो भी रजिस्ट्रार या इंस्पेक्टर आया हुआ है इंक्वायरी करने के लिए, वो कंपनी में क्या कर सकता है, आइडेंटिफिकेशन मार्क लगा सकता है या बुक्स ऑफ अकाउंट की कॉपी करके जा सकता है। पक्का याद रहेगा, उसको कॉपी करके जा सकता है, आइडेंटिफिकेशन मार्क लगा सकता है। उनके पास जो भी 207 में डायरेक्टर सॉरी 207 में रजिस्ट्रार या इंस्पेक्टर आते हैं इंस्पेक्शन करने के लिए, उनके पास पावर दिया गया एज अ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, जिसमें तीन पावर है। क्या है? डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, और दूसरा क्या है, सबमूविंग एंड इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ पर्सन एंड एग्जामिनिंग देम ऑन ऑथ, एंड लास्ट क्या है, सिंपल सी क्या है, इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट्स कीप्ड एट एनी प्लेस बाय द कंपनी, एनी प्लेस बाय द कंपनी। ठीक है, प्लीज इसको बात कर रखना। अगर आपने डिसोबे किया कोई भी डायरेक्शन इशूड बाय द रजिस्ट्रार या इंस्पेक्टर, कोई भी डायरेक्टर ने अगर डिसोबे किया तो फिर क्या हो जाएगा, आपको तो ऑफिस को तो छोड़ना पड़ेगा, वैकेंसी अराइज हो जाएगी, और उस वैकेंसी के कारण आप सारे कंपनी में क्या माने जाओगे, डिस्क्वालीफाई। और साथ ही साथ एंड लिखा हुआ है बेटा, देख रहे यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, आपको लेवल फॉर फाइन भी हो जाओगे, आप लेवल फॉर फाइन भी होगा। फाइन का अमाउंट कितना है, 30,000 से लेके 500,000 तक। ठीक है, और कंपनी करती है तो कंपनी के लिए नहीं, यहाँ पे डायरेक्टर के लिए। ठीक है, और 1,00,000 तक की सजा हो सकती है। ठीक है, अब पढ़ते हैं बेटा सेक्शन 208। सेक्शन 208 क्या बोलता है बेटा, रिपोर्ट ऑन इंस्पेक्शन मेड। सेक्शन 208 क्या बोलता है, रिपोर्ट ऑन इंस्पेक्शन मेड। 207 में जो इंस्पेक्शन कराया आपने, उसका आपको रिपोर्ट बना के देना है सेंट्रल गवर्नमेंट को। सुनना बेटा ध्यान से, जब सेंट्रल गवर्नमेंट मांगती है रिपोर्ट आपसे और आपका रिपोर्ट नहीं बना है, तो आप ड्राफ्ट रिपोर्ट दोगे, उस रिपोर्ट का नाम होता है इंट्रीम रिपोर्ट। इंट्रीम रिपोर्ट तब दी जाती है जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट आपको ड्यूरिंग इंस्पेक्शन या ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन आपसे रिपोर्ट मांगता है। ठीक है, अगर सीजी ने नहीं मांगा तो आप इंस्पेक्शन खत्म होने के बाद फाइनल रिपोर्ट दो, या इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद, जब आगे पढ़ोगे इन्वेस्टिगेशन वहां भी बात लिखी हुई है, सेम बात लिखी हुई, इसलिए मैं साथ में इन्वेस्टिगेशन बोल रहा हूँ। जब सीजी नहीं मांग रही तो डायरेक्ट फाइनल दो, अगर सीजी मांग रही है तो बीच में ही मांग रही है तो आप इंट्रीम दो। लेकिन याद रखना बेटा, जब भी आप रिपोर्ट दोगे, रिपोर्ट में अपना रिकमेंडेशन लिख के दोगे कि खासकर इंस्पेक्शन के टाइम में या इन्वेस्टिगेशन, क्या फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराने चाहिए या नहीं, ये लिख के दोगे। ठीक है, यहाँ पे तो क्या लिखा है, आफ्टर इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड इंक्वायरी एंड अदर बुक्स एंड पेपर्स, आफ्टर इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट इंक्वायरी एंड अदर बुक्स एंड पेपर, सबमिट रिपोर्ट टू सीजी विद सच डॉक्यूमेंट्स एंड सच रिपोर्ट नेसेसरी अलोंग विद रिकमेंडेशंस टू नीड्स ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन। आपको इंस्पेक्शन 207 में कराने के बाद आपको क्या करना है, फर्दर रिकमेंडेशन की जरूरत है तो आपको लिख के देना है। पक्का याद रहेगा, क्या लिखोगे, फर्दर आपको लिख के दोगे कि फर्दर इंस्पेक्शन कराने चाहिए, इन्वेस्टिगेशन कराने चाहिए या नहीं। ठीक है, अब आते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका सेक्शन 209, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 209। नवंबर 17 में यहां से क्वेश्चन आया भी था, बहुत इजी क्वेश्चन था। एक बार बेटा, सेक्शन 209 का नाम है सर्च एंड सीजर। अब ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात है, सेक्शन 206 में आपने क्या किया, आपको रजिस्ट्रार, आप रजिस्ट्रार होके आपने क्या की, बुक्स एंड अकाउंट मंगवाई। ठीक है, बुक्स एंड अकाउंट मंगवाने को देखा, अनसेटिस्फैक्ट्री लगा, इनएडिक्वेट लगा, या उन्होंने बुक्स एंड अकाउंट दिया ही नहीं, उसके बेस पे सेक्शन 207 में आपने क्या किया, इंस्पेक्शन से इंक्वायरी करवाई। इंस्पेक्शन से इंक्वायरी करवाने के बाद जो भी मैटर आपने रिकॉर्ड की, वो 208 में क्या किया, रिपोर्ट में डाल दी। बात समझ रहे हो? अब सुनो बेटा, सेक्शन 209 फिर आया कहां से, बीच में टांगड़ा ने, कुछ समझ आ रहा है ना भाई, रिपोर्ट बन गई अब घर जाओ, ये मैटर कहां से आ रहा है सर्च एंड सीजर का बीच में। तो बेटा याद रखना, ये इसलिए नहीं आया, ये एक्चुअली एक्ट को कभी भी आप सीरीज में पढ़ने की कोशिश नहीं कर सकते, इसलिए सेक्शंस कभी भी सीरीज में नहीं पढ़ा जाता। 209 इसलिए आया, ध्यान से सुनना बेटा, 209 इसलिए लाया कि जब भी रजिस्ट्रार या इंस्पेक्टर को ये रीजनेबल ग्राउंड होता है कि कंपनी ने इंस्पेक्शंस करते टाइम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को
या अपने किसी भी डायरेक्टर्स के रिलेटेड फैक्ट्स को, उनके इन्फॉर्मेशन को, ऑडिटर्स की इन्फॉर्मेशन को, कंपनी सेक्रेटरीज की इन्फॉर्मेशन को वो फेंक सकते हैं, जला सकते हैं, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। तो क्या कर सकता है रजिस्ट्रार या इंस्पेक्टर, क्या करेगा, चुपचाप जाएगा और सर्च एंड सीजर करके आ जाएगा। पक्का याद रहेगा बेटा, सेक्शन 209 में इतनी बातें लिखी हुई है, लेकिन ये फिर भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया गया। ऐसा क्या था उस क्वेश्चन में जो पूछ दिया गया? मैं एक चीज बातें हाइड करके आपको चलता हूं, देखो मजा आएगा। पता है इस सेक्शन में अगर मैं वो चीज बोल दूं ना आपको, तो आपको माइंड में कभी नहीं रहेगा, लेकिन अभी देखना बेटा कितना मजा आएगा। मैं क्वेश्चन कराना चाहता हूँ, एक्चुअली स्टडी मैट से मैंने कॉपी की है, लेकिन बेटा स्टडी मैट का क्वेश्चन एक्चुअली ना बोले क्योंकि वो नवंबर 17 में आ चुका है, तो नवंबर 17 की क्वेश्चंस को आईसीआई ने भी क्या किया है, स्टडी मैट में डाल दिया है। ठीक है, एक बार देखते हैं बेटा उस क्वेश्चंस को, फिर मैं आपसे बात करता हूं। मैं बताता हूं कि ऐसा लिखा था कि आप बोल रहे हो सर क्वेश्चंस इजी था, फिर भी पूछ दिया एग्जाम में। ना बेटा क्या लिखा है, मैंने एग्जाम्पल देखा, क्या बोलता है, ग्रुप ऑफ क्रेडिटर्स ऑफ मैक ट्रेडिंग लिमिटेड मेक्स अ कंप्लेंट टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी हैदराबाद अलेइंग दैट द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी इज इंडल्ज्ड डिस्ट्रक्शंस एंड फॉल्सिफिकेशंस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ कंपनी द कंप्लेनेंट रिक्वेस्ट द रजिस्ट्रार टू इमीडिएट स्टेप्स टू सीज द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी सो दैट द मैनेजमेंट मे नॉट बी अलाउड टू पर द रिकॉर्ड। क्या हुआ बेटा, ग्रुप ऑफ क्रिएटर, क्रिएटर की ग्रुप बनी, बंश बना, और मैक ट्रेडिंग लिमिटेड के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं रजिस्ट्रार को कि सर मैक ट्रेडिंग लिमिटेड मैनेजमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है या फॉल्सिफिकेशन करने में लगा हुआ है, और उन्होंने बोला रजिस्ट्रार को कि टू टेक इमीडिएट एक्शन कि अगर आप लेट करोगे हो सकता है उन्होंने टेम्पर कर दिया रिकॉर्ड को, ठीक है, इसलिए आप इमीडिएट एक्शन लो और मैनेजमेंट को रोको, मे नॉट अलाउ टू टेम्पर द रिकॉर्ड्स, मैनेजमेंट को कहो कि तू टेम्पर नहीं कर सकता। में क्या थी देखो, क्या बोलता है, द कंप्लेंट वाज रिसीव्ड एट 1 जुलाई 2017 एंड प्रोसी इंटर द प्राइमेसी एज 10:13 फॉर सर्च जमीन द पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू सीज द बुक्स ऑफ अकाउंट। जैसे ही बात आ गई ना पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू सीज द बुक्स ऑफ अकाउंट, बेटा याद रखना पावर ऑफ रजिस्ट्रार एंड पावर ऑफ इंस्पेक्टर कहां पे दिया हुआ है, सेक्शन 209 में दिया हुआ है रिगार्डिंग सर्च एंड सीजर। तो ये क्वेश्चन तो पूछ रहा है सर्च एंड सीजर के लिए। बेटा मेरे एक आइडिया है बेटा हमेशा क्वेश्चंस को करने का, मैं पहले क्या करता हूं क्वेश्चंस पढ़ के ये समझता हूं उस पर सेक्शंस कौन सा लगने वाला है, फिर उस सेक्शंस की सारी प्रोविजन चिपका के आता हूं क्वेश्चंस एग्जाम में, और उसके बाद एनालिसिस देके आता हूं और फिर कंक्लूजन देके आता हूं। यहां पे सेक्शन 209 लगने वाला है, सेक्शन 209 की बातें लिखनी है हमें, बिल्कुल सही है, लेकिन बेटा यहां सुनना कंप्लेन रिसीव हुआ था 10 बजे और आरओसी कहां कब पहुंच गया 10:30 बजे, ध्यान सुनना बेटा, क्या इंस्पेक्शंस कर सकता है, जहां तक मैंने बातें बोली है उसके अकॉर्डिंग तो कर सकता है, लेकिन बेटा सेक्शन 209 में एक बात लिखी थी मैं आपको जानबूझ के बताने जा रहा था कि हमेशा आपको याद रहे कि आप इंस्पेक्शंस तब तक नहीं कर सकते, याद रखना आप इंस्पेक्शन तब तक नहीं कर सकते जब तक आप क्या करो स्पेशल कोर्ट से परमिशन ना ले लो, ही में आफ्टर ऑब्टेनिंग स्पेशल कोर्ट परमिशन। पक्का याद रहेगा सेक्शन 209 में बेटा रजिस्ट्रार्स और इंस्पेक्टर अगर उनके पास रीजनेबल ग्राउंड है कि कंपनी का या उनकी केएमपी का या डायरेक्टर्स का या ऑडिटर्स का या कंपनी सेक्रेटरी का कोई भी रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय मल्टीलेटेड अल्टर या ट्रोन हो सकता है या फॉल्सिफाइड हो सकता है, वो क्या कर सकता है स्पेशल कोर्ट के परमिशन लेने के बाद ही सर्च एंड सीजर कर सकता है। मतलब यहाँ पे सोल डिस्कशन किस पे है, स्पेशल कोर्ट पे, ना कि रजिस्ट्रार या इंस्पेक्टर पे। अगर इंस्पेक्टर कोर्ट ने परमिशन नहीं दिया तो सर्च सीजर नहीं कर पाएगा। और उस क्वेश्चन में देखो बेटा ध्यान से देखना उस क्वेश्चन को एक बार, आप क्वेश्चन में देखो आईसीआई ने क्या किया है, आईसीआई डायरेक्ट पहुंच गया सर्च एंड सीजर करने, 10 बजे रिसीव हुआ था ऑर्डर,
कंप्लेन रिसीव हुआ था और 10:30 पे पहुंच गया भाई, आधे घंटे के अंदर की बात है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा, आईसीए की मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ और आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, ध्यान सुनना बेटा। हमने आज तक पीएम में क्वेश्चंस आया, पीएम में क्वेश्चंस पढ़ते गए, आंसर लिखते गए, लेकिन हमें कुछ पता ही नहीं आइडिया बेटा कि आईसीए क्वेश्चंस क्या पूछ रही है और बच्चे आंसर्स क्या लिख रहे हैं। हो सकता है आजकल मेल का जमाना है, आईसीए ने आंसर क्या लिखा कि 10 बजे कंप्लेन रिसीव हुआ है और 10:30 बजे सर्च करने पहुंच गए, जबकि उन्होंने स्पेशल कोर्ट का परमिशन नहीं लिया, इसीलिए सर्च एंड सीजर नहीं कर पाएगा। पक्का याद रहेगा? लेकिन बेटा मैं बोलता हूँ आजकल यार ईमेल का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक मील्स का जमाना है, क्या पता 10 बजे तो ऑफिस खुल जाती है, क्या पता रजिस्ट्रार ने मेल करके स्पेशल कोर्ट से परमिशन ले लिया होगा और स्पेशल कोर्ट ने बाय मेल इनका अप्रूवल दे दिया होगा और तब ये सर्च एंड सीजर करने गए। तो बेटा आंसर्स की अल्टरनेटिव बना सकते हो, अभी तक अलाउ नहीं था लेकिन अब अलाउ है बेटा, याद रखना। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपकी प्रोविजन सही है तो आपका कंक्लूजन भले गलत हो फिर भी आपको मार्क्स मिलेगा, पक्का याद रहेगा। इसीलिए मैं देखता रहता हूं लॉ में मैक्सिमम क्वेश्चंस तो एजम्पशंस बेस होता है और ऐसे बताता भी नहीं कि कौन सा क्वेश्चन एजम्पशन बेस है, और हम बस ये पढ़ लेते हैं। आज तक आपने इस क्वेश्चन में यही पढ़ा होगा कि 10 बजे गया और 10:30 बजे पहुंच गया सर्च करने और स्पेशल कोर्ट का परमिशन नहीं लिया तो नहीं ले पाएगा, ये कहां लिखा हुआ है बेटा। लॉ में तो बहुत सारी बातें साइलेंस होती है और साइलेंट का इंटरप्रिटेशन करना होता है, पर इंटरप्रिटेशन हम या तो एज पर लिटरल कंस्ट्रक्शन लगाए या एज पर बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन लगाए। अब मैं यहाँ पे अगर एज पर बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन लगाऊं कि डिस्ट्रक्शन बहुत गलत चीज है तो आरओसी को क्या करना चाहिए, स्पेशल कोर्ट का परमिशन तुरंत लेना चाहिए और स्पेशल कोर्ट को भी तुरंत आंसर देना चाहिए, समझ रहे हो बात। इसीलिए 209 की एग्जाम में क्वेश्चंस के आंसर ऐसे भी हो सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं इसी वैसे बता रहा था आपको, इसे मतलब टेंशन नहीं लेना, मैं आप लोगों को पढ़ने का तरीका बस बता रहा था, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो बेटा सेक्शन 209 में क्या बोलोगे, देखना बेटा क्या लिखा है सेक्शन 209 में आप, ठीक है। बोलता है इफ रजिस्ट्रार इंस्पेक्टर हैज रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट बुक्स ऑफ पेपर्स रिलेटिंग टू कंपनी केएमपी एनी डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स या कंपनी सेक्रेटरी, देखो बहुत सारे लोग हैं, कंपनी है, केएमपी है, उनका डायरेक्टर्स है, ऑडिटर्स है, सीएस है, सबकी डॉक्यूमेंट्स, तो क्या कर सकता है आफ्टर ऑब्टेनिंग स्पेशल कोर्ट पर्मिशन टू सीजर ऑफ बुक्स एंड एंटर द प्रीमिसेस विद सच असिस्टेंट, जितने लोगों को लेके जाना है लेके जाओ एंड कंपनी को अलाउ करो, ध्यान सुने बेटा, कंपनी को आप कंपनी को लिख के देगा कि सर कंपनी आप कॉपी करना चाहते हो अपने पैसे खर्च करो और कॉपी करके ले लो, लेकिन मैं ओरिजिनल सीजर करने वाला हूँ, ठीक है। तो कंपनी को अलाउ करो, कंपनी को रोको मत और सीज कर लो। बात आती है बेटा सीज कब तक कर सकते हो, बेटा सीजर की पीरियड होती है 180 डेज और 180 डेज के बाद आपको वापस करना ही पड़ेगा, प्लीज हमेशा याद रखना बेटा 180 डेज पीरियड होता है सीजर का और 180 डेज के बाद आपको वापस करना ही पड़ेगा। और हाँ, अगर सर 180 डेज के बाद और रखने का मन हो तो बेटा दोबारा आप क्या करोगे, ऑर्डर इश्यू करवाओगे और दोबारा 180 दिन के लिए और फर्दर 180 दिन के लिए आपको मिल सकता है और रखने के लिए, ठीक है बेटा याद रखना है। क्या लिखा बेटा, एंड पेपर फॉर 180 डेज 180 दिन के लिए रखना है। फिर बोलता है इफ ही नीड्स ही कैन रिटेक मतलब फर्दर 180 डेज दोबारा ले सकते, लेकिन दोबारा ऑर्डर लेके दोबारा लेके लेना पड़ेगा बेटा, क्या देगा। चलो अधिक बेटा क्या बोलता है, जब आपको बुक्स वापस करनी पड़ेगी क्या मैं कॉपी करके रख सकता हूँ, तो बिल्कुल कर सकते बेटा, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स तक लगा सकते, ठीक है। बोलता है रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर व्हाइल रिटर्निंग बुक्स मे टेक कॉपी एक्सट्रैक्ट इन स्पीड, जो उनको सही लगता है उसके अकॉर्डिंग कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। अब पढ़ते बेटा सेक्शन 200, देखो बेटा सेक्शन 200 क्या बोलता है बेटा, इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ द कंपनी, बेटा अब इंस्पेक्शन हो गया, अब देखो आपने इंस्पेक्शन तो कोई रिलेशन नहीं है लेकिन सेक्शन 208 से रिलेशन है। 208 में क्या बोला था कि जब इंस्पेक्शन हो जाता है तो इंस्पेक्शन का रिपोर्ट बनता है 208 में, और 208 में ये रिकमेंडेशन देना होता है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है या नहीं। तो 208 की लिंक है 210 से करो, फर्दर इन्वेस्टिगेशन कहाँ पे होगा, 210 के अकॉर्डिंग होगा बेटा, और 210 के अकॉर्डिंग आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना है। और 210 बेटा बोलता है कि अगर सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है तो
तीन लोगों के चक्कर में, तीन लोगों के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करवा सकता है, इन्वेस्टिगेशंस करवा सकता है। पक्का याद रहेगा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है तो तीन केस में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करवा सकता है, इन्वेस्टिगेशंस कंपनी पे करवा सकता है। ये 210 बोलता है बेटा। वो तीन लोग कौन है? पहला बोलता है, पहला आपने देख लिया रिपोर्ट अंडर 208। अगर रिपोर्ट अंडर 208 में इंस्पेक्टर या रजिस्ट्रार ने ये लिख के दे दिया कि सर फर्दर इन्वेस्टिगेशन जरूरी है, तो सीजी को करवाना पड़ेगा। या सुनना बेटा, या एसआर पास बाय द कंपनी। दूसरा क्या है? एसआर पास बाय द कंपनी। कंपनी ने एसआर पास करवाया, सीजी को बोला सर हमारे कंपनी का इन्वेस्टिगेशन करवा दो, तो भी करवाना पड़ेगा सीजी को। या सीजी को खुद ही लगता है पब्लिक इंटरेस्ट में करना जरूरी है, तो सीजी क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा। ठीक है, पक्का याद रहेगा बेटा। देखो क्या लिखा है बेटा लैंग्वेज, इफ सीजी थिंक्स दैट इन्वेस्टिगेशन इज नेसेसरी इनटू अफेयर्स ऑफ द कंपनी ऑन रिसिप्ट ऑफ, इन लोगों के रिसिप्ट पे, किन किन के रिसिप्ट पे, रिपोर्ट अंडर सेक्शन 208, एसआर पास बाय द कंपनी एंड और ऑन पब्लिक इंटरेस्ट, तो सीजी क्या करेगा, सीजी अपॉइंट करेगा वन और मोर पर्सन एज इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ द कंपनी। बेटा याद रखना, इंस्पेक्टर को अपॉइंट करने का पावर तो सिर्फ और सिर्फ, लो मैं सिर्फ और सिर्फ बोल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ किसको है, सीजी को है। ट्रिब्यूनल को भी अगर लगता है ना, ट्रिब्यूनल भी किसको देगी, सीजी को बोलेगा, और सीजी क्या करेगा, वन और मोर पर्सन अपॉइंट करेगा एज अ इंस्पेक्टर। पक्का याद रहेगा, सेक्शन 206 में 210 में क्या बोलोगे, सर सीजी को जब भी लगता है तीन लोगों के कारण इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है, तो सीजी एक या एक से ज्यादा इंस्पेक्टर अपॉइंट कर देगी। वो तीन लोग कौन है बेटा, रिपोर्ट अंडर सेक्शन 208, एसआर पास बाय द कंपनी और इन पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, अब बेटा याद रखना, सेक्शन 210 बोलता है कि अगर ट्रिब्यूनल को भी लगता है, तो क्या लिखा नोट में मैंने लिखा हुआ बेटा, इवन ट्रिब्यूनल या कोर्ट ऑर्डर फॉर इन्वेस्टिगेशन, देन सो सीजी शैल नीड्स टू डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन टू अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ये बोलता है बेटा कि अगर ट्रिब्यूनल या कोर्ट को भी लगता है कि इन्वेस्टिगेशन जरूरी है, तो सीजी को ऑर्डर देंगे और सीजी क्या करेगा, उसके बेस पे क्या करेगा, कंपनी का इन्वेस्टिगेशन करवा देगा। इसका मतलब 210 में पावर किसको दिया गया, ट्रिब्यूनल को भी दिया गया है। मतलब लोगों के केस में तो होगा होगा, उसके बाद भी लोगों के बाद भी ट्रिब्यूनल और कोर्ट के कारण भी इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। क्या याद रहेगा बेटा, चलो सुनना बेटा ध्यान से, बोलता है ध्यान सुनना बेटा, ठीक है, बोलता है एनी पर्सन मेकिंग एप्लीकेशन फॉर इन्वेस्टिगेशन शैल नीड्स टू डिपॉजिट सिक्योरिटी ना नॉट एक्सीडिंग 5000। कोई भी पर्सन जो इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं उनको सिक्योरिटी देना है बेटा, लेकिन सिक्योरिटी का अमाउंट कितना, 25,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब सिक्योरिटी क्यों ले रहे, फॉर पेमेंट टुवर्ड्स कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बहुत सही बात है भाई, इन्वेस्टिगेशन में इंस्पेक्टर अपॉइंट होता है, उनके खर्चे आएंगे, आने जाने का खर्चे, ये सारा सीजी को बियर करना पड़ेगा, तो 25,000 तक ही डिपॉजिट लेना तो जायज है। मजा यहां नहीं बेटा, मजा कहां है, देखो देखना बेटा, एनी पर्सन मेकिंग एप्लीकेशन फॉर इन्वेस्टिगेशन, देखना बेटा कौन 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 सकता है एप्लीकेशन, रिपोर्ट अंडर सेक्शन 208। बेटा ये बता बताओ, रिपोर्ट अंडर सेक्शन 208 में कौन कर रहा है इन्वेस्टिगेशन, सीजी कर रहा है, कौन कर रहा है एप्लीकेशन, सीजी, तो सीजी का 25,000 देगी, बिल्कुल नहीं देगी, बात समझ रहे हो। एसआर पास बाय द कंपनी कौन कर रहे हैं, कंपनी के शेयर होल्डर्स कर रहे हैं, इस केस में सिर्फ आपको क्या मरेगा, शेयर होल्डर को 25,000 देनी पड़ेगी ऑन पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट में कौन कर रहा होगा, सीजी कर रहा होगा, क्या सीजी देगा, नहीं देगा, ट्रिब्यूनल या कोर्ट कर रहे हैं ऑर्डर, क्या देगा, नहीं देगा। तो बेटा ये जो एनी पर्सन लिखा हुआ है, इसमें एक्चुअली मेन क्या कहने के चाह रहे हैं, एनी पर्सन मतलब ये केस में जब भी कंपनी एसआर पास करवाती है, पक्का याद रहेगा, ये सेकेंड केस में 25,000 की बात आएगी, बाकी ऊपर के तीन केस में नहीं है, रिपोर्ट में भी नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट में भी नहीं है और ट्रिब्यूनल केस में भी नहीं है। क्या याद रहेगा बेटा, सिर्फ जब कंपनी एसआर पास करके एप्लीकेशन करती है सीजी को, उस केस में 25,000 रुपए देने की जरूरत है, 25,000 रुपए, और किस पे पहले खर्च किया जाएगा, पेमेंट टुवर्ड्स कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। लेकिन याद रखना बेटा, ये 25,000 क्या है, सिक्योरिटी डिपॉजिट है, क्या है, सिक्योरिटी डिपॉजिट, और सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको याद है हमेशा रिफंड होता है। मैंने नोट में लिख दिया हुआ है द अबव अमाउंट, क्या लिखा है, द अबव अमाउंट ऑफ 25,000 गेट रिफंडेड इफ इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट्स इनटू प्रोसीक्यूशन। ऊपर का अमाउंट क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा अगर इन्वेस्टिगेशन प्रोसीक्यूशन में हो जाता है तो। देखो बेटा मैंने आपको एक चीज दिखाना चाहूं, मैंने कितने में कॉन्साइज कर दिया है, एक बार देखना बेटा,
आई होप आप लोग अच्छा लगे। देखो बेटा इतने में सेक्शन 210 को खत्म कर दिया है, इतनी लंबी चीजों को आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मैंने इतने शॉर्ट में सेक्शन 210 खत्म कर दिया है। लेकिन बेटा आई एम रियली सॉरी, मैं चार्ट देने के मूड में कभी नहीं रहता बेटा, इसलिए मैंने आपको चार्ट नहीं दिया। आपको क्या करना है, पहली बार बेटा सॉरी पहली बार आपको बेटा यहाँ से पढ़नी है, ठीक है, और यहाँ से इतना पढ़ना, यहाँ पे इतना पढ़ लेना, बात समझ रहे हो। आप जब यहाँ से सेक्शन यहाँ पढ़ोगे फिर आपसे यहाँ से पढ़ना, इसलिए मैंने ऑलमोस्ट कोशिश किया साथ साथ लिखने की कोशिश किया है, जहां पॉसिबल नहीं हो वहीं पे साथ साथ नहीं लिख पाया, क्योंकि ये तो बहुत लंबा है और ये बहुत छोटा है, ठीक है। मैं बेटा अलग से चार्ट नहीं दूंगा, सॉरी, ये समझ लेना कि सर को चार्ट बनाना आता ही नहीं है। तो बेटा पढ़नी तो मेटेरियल ही, बस 100% मेटेरियल पढ़ना है, तभी आप लॉ में बेटा 60-70 लिपे लेके आ पाओगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं बेटा सेक्शन 211। बेटा सेक्शन 211 में SFIO बनता है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस बनता है, ठीक है। देखना बेटा SFIO कैसे बनता है, बोलता है बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट SFIO बनाती है जिसमें एक डायरेक्टर होगा जो हेड होगा, डायरेक्टर एक कौन होगा, डायरेक्टर होगा। बेटा याद रखना डायरेक्टर क्वालिफिकेशन बोलता है नॉट बिलो द रैंक ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, जो SFIO का डायरेक्टर होता है वो कौन होता है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और सच नंबर ऑफ एक्सपर्ट होंगे फ्रॉम फॉलोइंग फील्ड्स, फॉलोइंग फील्ड्स में कौन कौन, मैनेजमेंट, कॉस्ट, फाइनेंशियल्स, साइबर, इन्वेस्टिगेशन, लॉ, टैक्सेशन, कैपिटल मार्केट, बैंकिंग, कुछ भी बोल दो, एनी अदर एज में भी प्रिस्क्राइब, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, पक्का याद रहेगा। चलो देखना बेटा क्या लिखा है, सीजी सेल कॉन्स्टिट्यूट SFIO विद हेडेड बाय अ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर क्वालिफिकेशन क्या होगी, मैंने साथ साथ लिख दिया है, विच शैल नॉट बी ऑफिसर्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सच नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम फॉलोइंग फील्ड्स, कौन कौन से फील्ड्स पे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, साइबर फॉरेंसिक्स, इन्वेस्टिगेशन, लॉ, टैक्सेशन, कैपिटल मार्केट, एनी अदर एज में भी प्रिस्क्राइब, नंबर ऑफ एक्सपर्ट यहाँ से होंगे, इन सारे फील्ड में से एक एक को एक्सपर्ट रख देगा, और सच नंबर मतलब मैक्सिमम नंबर फिक्स नहीं है, तो अगर MCQ में आ गया कि SFIO में जो एक्सपर्ट बैठते हैं 12 एक्सपर्ट बैठते हैं, 20 एक्सपर्ट बैठते हैं, तो आप क्या बोलोगे, सर ये डिपेंड करेगा ऑन सर्कमस्टेंसेस, जितना CG को लगता है उतना एक्सपर्ट बिठाएगा, पक्का याद रहेगा बेटा। मैंने ऑथर्स मैंने एक नोट दे दिया है कि नो नीड टू लर्न अबव लिस्ट, आपको लिस्ट याद करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज क्या बता क्या लिखा है, मैं देखना सॉरी क्या लिखना है बेटा, देयर टर्म्स ऑफ ऑफिस इज सच एज में भी प्रिस्क्राइब, जो जो डायरेक्टर की ऑफिस की टर्म होगी वो क्या होगा, वो जो CG प्रिस्क्राइब करेगा वही होगा बेटा, ठीक है, पक्का याद रहेगा, जो डायरेक्टर की टर्म्स ऑफ ऑफिस होगी जो CG प्रिस्क्राइब करेगा वही होगा, ठीक है। अब सेक्शन समरी 212 को देखना है बेटा, सेक्शन कंपनी वाले समरी 212 बेटा याद हो गया, सेक्शन 211 में क्या बोलता है, सर सेंट्रल गवर्नमेंट SFIO बनाएगी, एक डायरेक्टर होगा जो नॉट बिलो द रैंक ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया होंगी, और सच नंबर एक्सपर्ट होंगे फ्रॉम फॉलोइंग फील्ड, फॉलोइंग फील्ड कौन कौन बोलोगे, सर कॉस्ट मैनेजमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है, बैंकिंग, क्या बोलोगे, डायरेक्टर्स और टैक्सेशन, ठीक है, साइबर फॉरेंसिक्स, इन्वेस्टिगेशन, लॉ, ठीक है, एंड और सच एज में भी प्रिस्क्राइब, पक्का याद रहेगा। और आप क्या बोलोगे, सर इनकी क्वालिफिकेशंस, सॉरी इनकी टर्म्स कौन डिसाइड करेगा, CG डिसाइड करेगा, ठीक है। अब आते हैं बेटा सेक्शन 212 पढ़ने, ठीक है, चलो तो आप 212 पढ़ते हैं बेटा, ठीक है, 212 बहुत बड़ी है आप देख सकते हो, लेकिन 212 में बेटा बोलता है कि सीरियस क्रॉस इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी अब करेंगे इन्वेस्टिगेशन, ध्यान से देखना बेटा, 211 में SFIO कंडक्ट हुआ था, ठीक है, उन्होंने ऑडिट किया नहीं था, उन्होंने सिर्फ क्या था, कंडक्ट हुआ था, ठीक है, 212 में करेंगे इन्वेस्टिगेशन। लेकिन आप बोलोगे सर अभी तुरंत 210 में इन्वेस्टिगेशन तो पढ़ा हमने, अरे दोबारा कौन सा इन्वेस्टिगेशन, बेटा ये सीरियस इन्वेस्टिगेशन है, हो सकता है कि 208 में जो रिपोर्ट लिखा हो, 208 में रिपोर्ट जब लिखा था हमने,
वहां पे हमने लिख के दिया होगा कि सर नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन से काम नहीं चलने वाला, बहुत बड़ी घोटाला है कंपनी में, बड़ा इन्वेस्टिगेशन करवाओ, ऐसा भाइयों को बिठाओ। तो वो 210 की इन्वेस्टिगेशन ना करके बड़ी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, या कंपनी ने एसआर पास करवाया है बोल रहा है सर कंपनी में घोटाला बहुत बड़ी है तो इन्वेस्टिगेशन करवाओ, या सीजी को खुद ही लग रहा है पब्लिक इंटरेस्ट में कि नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन से काम नहीं चलने वाला, बड़ा घोटाला है तो बड़ी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। पक्का समझ रहे हो? तो यहाँ भी देखना बेटा, केस तो सेम है लेकिन हमें सिर्फ रटना लर्न क्या करना है। देखो क्या बोलता है, इफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज इन द ओपिनियन दैट कंपनी नीड्स टू गेट इन्वेस्टिगेट बाय एसएफआईओ एंड रिसीप्ट ऑफ, अगर सीजी को लगता है कंपनी सफाईओ के द्वारा इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कंपनी का, तो लेकिन रिसीप्ट ऑफ क्या बेटा, तीन वही है सेम टू सेम जो 210 में है। तीन कौन कौन थे? ऑन ऑर्डर बाय ऑर्डर ऑफ रिपोर्ट बाय सेक्शन 208, आपको 208 में जो रिपोर्ट मिली उसके बेसिस पे, या स्पेशल रिजर्वेशन जो कंपनी ने पास की थी उसके अकॉर्डिंग, या पब्लिक इंटरेस्ट में। ये तीन याद है 210 में, वो भी तीन लिमिट है और ये भी यहाँ भी वही सेम है। देखो सेम लैंग्वेज है बेटा, रिपोर्ट अंडर सेक्शन 208 सर पास बाय द कंपनी और इन पब्लिक इंटरेस्ट, या एक एडिशन क्या है ऑन रिक्वेस्ट ऑफ एनी डिपार्टमेंट ऑफ सीजी या एसजी, ऑन रिक्वेस्ट बाय एनी डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। तो भी अगर लगता है कि ऐसा भाइयों की टीम को ही इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए तो उनके थ्रू ही इन्वेस्टिगेशन कराया जाएगा। पक्का याद रहेगा 212 में बेटा, फिर याद करो 212 में सर, 212 में जब भी रिपोर्ट मिलती है 208 में उसके अकॉर्डिंग लग रहा है, या फिर स्पेशल रेजुलेशन कंपनी ने पास करवा रखा है, या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में, या किसी भी डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट के लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक लेटर लिख के दिया कि सर इनका इन्वेस्टिगेशन ऐसा भाई के द्वारा करवाओ, कंपनी में बहुत सीरियस घोटाला है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, एसएफआईओ के टीम का गठन करवाएगी और उनसे इन्वेस्टिगेशन करवाएगा। पक्का याद रहेगा सोल पावर सीजी के पास ही है। तो बोलता है देखो, इफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज इन द ओपिनियन दैट नीड्स टू गेट इन्वेस्टिगेटेड बाय एसएफआईओ टीम बाई ऑन रिसीप्ट ऑफ लेटर बाय रिपोर्ट अंडर सेक्शन 208 स्पेशल रेजोल्यूशन पास बाय द कंपनी और इन पब्लिक इंटरेस्ट और ऑन रिक्वेस्ट ऑफ लेटर बाय डिपार्टमेंट ऑफ सीजी एंड एसडी, देन सीजी क्या करेगा, साइन करेगा इन्वेस्टिगेशन बाय एसएफआईओ टीम। आप सुनना बेटा, एसएफआईओ की टीम जब इन्वेस्टिगेशन करने आते हैं सारे इम्प्लॉय या डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो भी असिस्टेंस वो चाहते हैं, एसएफआईओ की टीम जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहते हैं वो लाके चुपचाप दे। पक्का याद रहेगा, तो नॉर्मल सी बात है। यहाँ लिखा हुआ बेटा तो क्या बोलता है, कंपनी एंड एवरी ऑफिसर शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड ऑल इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट इज डिजायर्ड बाय एसएफआईओ टीम, जो भी डॉक्यूमेंट डिजायर करता है सारे क्या लाके दे। क्या बोलते बेटा, सुनना बेटा, सीजी ने ऐसा भाई का गठन किया है और सीजी ने क्या करवा रहा है इन्वेस्टिगेशन, तो सीजी को जब जब लगता है क्योंकि हमसे इनसे चेक करते रहना चाहिए कि ऐसा भाई की टीम काम सही से कर रही है कि नहीं, वो उनसे रिपोर्ट मंगवा सकता है। तो ऐसे केस में अब जब इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है तो फाइनल रिपोर्ट तो नहीं दे सकते, तो ऐसे केस में ऐसा भाई क्या करेगा, सीजी को जब जब सीजी डिमांड करेगी इंटरिम रिपोर्ट देगा बेटा, या अगर सीजी ने डिमांड नहीं किया तो जब खत्म हो जाएगा उसके बाद क्या दे देगा, फाइनल रिपोर्ट दे देगा। देखो क्या लिखा है बेटा, एसएफआईओ सेल नाउ नीड्स टू सबमिट इंटरिम रिपोर्ट एंड डायरेक्टेड बाय सीजी और फाइनल रिपोर्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ, सॉरी यहाँ पे आप टाइपिंग मिस्टेक था, गलती कैसे ही करें ना, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा बेटा, ठीक है। चलो याद रखना बेटा, एसएफआईओ क्या करेगी, इंटरिम रिपोर्ट सबमिट करवाएगी जब सीजी डिमांड करेगा, तो अगर सीजी ने डिमांड नहीं किया तो जब आपका इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाएगा तब फाइनल रिपोर्ट देगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। बट याद रखना यहाँ पे एसएफआईओ टीम कोई भी रिपोर्ट फाइल करते हैं उसको पुलिस का रिपोर्ट का दर्जा दिया गया है, एलिमेंट लिख दिया होगा, एनी रिपोर्ट फाइल हेयर शैल बी डीम्ड टू बी फाइल्ड बाय पुलिस, मैंने लिख भी दिया है कि कोई भी रिपोर्ट जो यहाँ फाइल होता है वो ये माना जाएगा कि पुलिस ने ये फाइल किया हुआ है। अब ध्यान से पढ़ना बेटा, अब ये हम पढ़ने वाले कॉग्निजेबल ऑफेंस, वैसे मैंने स्पेशल कोर्ट में आपको अच्छे से बता रखा था कॉग्निजेबल ऑफेंस, कि अब आप यहाँ पढ़ने वाले हैं क्योंकि वहां पे 212 का नाम आया था ना, और मैंने आपको बोला था कि जब इन्वेस्टिगेशंस पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि 212 सबसेक्शन 6 क्या है। बेटा कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलता है कि एनी ऑफेंस कमिटेड अंडर सेक्शन 212 शैल बी कॉग्निजेबल अंडर सेक्शन 447 बेटा, था सेम लैंग्वेज से बुक एग्जाम में आपको क्वेश्चन आया था, और बच्चे बोल रहे थे सर ये क्वेश्चन
पता नहीं आईसीए ने कहां से पूछ दिया बेटा, ये यहाँ पे हमें दिक्कत होती है, यहाँ पे एरर होता है। जब हम टीचर्स की चार्ट लेके पढ़ते हैं या टीचर्स की बुक पढ़ते हैं, यहाँ पे दिक्कत आती है बेटा। आप स्टडी मटेरियल को फॉलो नहीं करते तब यहाँ पे दिक्कत आती है बेटा। देखो जबकि डायरेक्टली लिखा हुआ था एनी ऑफेंस कमिटेड अंडर सेक्शन 212 इज कॉग्निजेबल अंडर सेक्शन 447 एंड नो पर्सन शैल बी कमिटेड ऑफेंस, जो भी पर्सन ने ऑफेंस कमिटेड किया है अंडर दिस सेक्शन शैल बी रिलीज ऑन बेल। रखने बेटा, कोई भी पर्सन जो कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है 212 में, मतलब 212 में इन्वेस्टिगेशंस के दौरान जो भी पर्सन पकड़ा जाएगा उन्हें कॉग्निजेबल माना जाएगा, मतलब बहुत बड़ा गुनाह किया ये माना जाएगा, और ऐसे गुनाह के लिए उनको बेल नहीं मिलता। अनलेस एंड अल्टिल बेटा, अनलेस एंड अल्टिल क्या याद रखना बेटा, अनलेस एंड अल्टिल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट ना हुआ हो और पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने ठीक है कोर्ट को ये ना बोल रखा हो कि रीजनेबल ग्राउंड है कि ये बंदा ने गलती नहीं कर रखा है, तो प्लीज उस बंदे को छोड़ दो। या दूसरा, वो बंदा क्या सीख या इनफॉर्म है या ओमेन है या पर्सन बिलो 16 इयर्स एज है। कौन कौन बेटा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैज बीन अपॉइंटेड टू गिव अपॉर्चुनिटी टू अपोज एंड कोर्ट थिंग्स कि देयर इज रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट ही इज नॉट गिल्टी। पक्का याद रहेगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैज बीन अपॉइंटेड ठीक है टू फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी टू अपोज एंड कोर्ट थिंग्स दैट, कोर्ट बोले तो स्पेशल कोर्ट थिंग्स दैट देर इज रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव ही इज नॉट गिल्टी। दूसरा, एनी सिक्स इनफॉर्म या ओमेन और पर्सन बिलो 16 ईयर्स कैन बी रिलीज ऑन बेल। देखो बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं साथ साथ पढ़ दू ठीक है। क्या लिखा है, ऑफेंस कमिटेड अंडर सेक्शन 212 इज कॉग्निजेबल अंडर सेक्शन 447 ठीक है। कोई भी ऑफेंस तो कमिटेड होता है 212 में, उसको 447 के अकॉर्डिंग कॉग्निजेबल माना जाता है। नो पर्सन शैल बी कमिटेड ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन शैल बी रिलीज ऑन बेल, जो भी पर्सन जिन्होंने 212 में ऑफेंस किया है उनको बेल में नहीं छोड़ा जाएगा, बेल उनके लिए नहीं होता। अनलेस एंड अनटिल मतलब बेल में छोड़ा जा सकता है अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज अपॉइंटेड गिव अपॉर्चुनिटी टू अपोज, पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया गया है ठीक है बेटा। जब भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट होगा, देखना लिखा ना, द पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज अपॉइंटेड गिव अपॉर्चुनिटी टू अपोज एंड इफ ही अपोज एंड कोर्ट थिंग्स दैट ही रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव ही इज नॉट गिल्टी। और तेरा केस क्या है, एंड इफ स्पेशल कोर्ट डायरेक्ट, अगर स्पेशल कोर्ट परमिशन दे देता है तो सिक्स मैन इनफॉर्म एंड पर्सन बिलो 16 ईयर एज इनको बेल मिल सकता है। याद रहे बेटा सेक्शन 212 में, याद रखना बेटा कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलता है कि 212 के ऑफेंस में अगर कोई पकड़े जाते हैं तो उन्हें सेक्शन 447 में कॉग्निजेंस माना जाता है और उनको बेल नहीं मिलता। लेकिन अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट हो गया और वो अपोज कर रहा है और स्पेशल कोर्ट को लगता है कि रीजनेबल ग्राउंड है उनको छोड़ने का, तो बेल मिल सकती है, या स्पेशल कोर्ट को लगता है तो ओमेन को, सिक को, इनफॉर्म को, अ पर्सन बिलो 16 इयर्स एज को भी छोड़ सकते हैं। अब बेटा आगे पढ़ते हैं स्पेशल कोर्ट में और सेक्शन 212 में क्या क्या लिखा है ठीक है। ध्यान देना क्या बोलता है, सेक्शन 212 बोलता है नो अदर इन्वेस्टिगेशन शैल रन अंडर दिस एक्ट, एसएफआईओ शैल स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन। मतलब कहने का क्या मतलब है, देखना एसएफआईओ की इन्वेस्टिगेशन खुद ही सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन है भाई, बाप लोग आए हैं बाप लोग, अब ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इसके बाद वो छोटे मोटे कौन होते हैं इन्वेस्टिगेशन करने वाले यार। इसलिए कहता है कि अगर किसी कंपनी का इनकम टैक्स एक्ट में, जीएसटी एक्ट में या सेक्शन 210 में इन्वेस्टिगेशन चल रहा होगा तो सारे इन्वेस्टिगेशन क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे, खत्म नहीं होंगे, याद रखना रुक जाएंगे ठीक है। और ये भी याद रखना बेटा, वो जो ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एसएफआईओ को चुपचाप जो भी डॉक्यूमेंट्स उनके पास इकट्ठे हुए थे ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन लाके एसएफआईओ को दे दे। पक्का याद रहेगा, चलो देखो क्या लिखा हुआ है, इवन इफ एनी प्रीवियस इन्वेस्टिगेशन इज रनिंग, अगर कोई पुराना इन्वेस्टिगेशन चल रहा होगा दे नीड्स टू स्टॉप देयर इन्वेस्टिगेशन, उनको अपना इन्वेस्टिगेशन रोकना पड़ेगा एंड सबमिट ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और सारे डॉक्यूमेंट्स और इन्वेस्टिगेशन क्या करना पड़ेगा कलेक्ट करके वापस इनको जमा करनी पड़ेगी। पक्का याद रहेगा, चलो अब जो क्या बोलते हैं बेटा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स ऑफ एसएफआईओ शैल हैव सेम पावर
इज गिवन इन इंस्पेक्टर अंडर सेक्शन 217। बेटा मैं आपको यही बताया था, इंस्पेक्ट बोलता है कि जो SFIO के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होते हैं उनको उतनी पावर दी गई है जितनी पावर सेक्शन 217 में, सेक्शन 217 में पावर दिया गया है इंस्पेक्टर को। सेक्शन 217 बात करता है पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर्स के रिगार्डिंग, प्रोसीजर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग। तो बेटा वहां बता दूं, वहां सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि उनको वही पावर दिया गया है जो आपने अभी तुरंत 207 में पढ़ी ना, सिविल कोड ऑफ प्रोसीजर 1908 में जो पावर दिए गए वही पावर देंगे। और सिविल प्रोसीजर 1908 में तीन पावर है, कौन कौन सी बोलो, डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, समोइंग एंड इन्फोर्सिंग, अटेंडेंस ऑफ पर्सन एंड एग्जामिनिंग देम ऑन ओथ, एंड लास्ट पावर क्या है, इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द कंपनी कीप्ड एट एनी प्लेस, कहीं भी रखा हो फिर भी, ये तीन पावर है बेटा, पक्का याद रहेगा। चलो अब देखो क्या बोलता है, इफ एनी पर्सन हैज फाउंड ऑफेंस अंडर सेक्शन 212, पर याद रखना अगर सेक्शन 212 के इन्वेस्टिगेशन के में अगर कोई बंदा पकड़ा जाता है तो उसको SFIO क्या करता है, आफ्टर गिविंग रीजन टू अरेस्ट, उनको अरेस्ट कर लेगा। लेकिन बेटा SFIO अरेस्ट करने से पहले या तो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेगी, ध्यान से सुनना ये बात, SFIO उस पर्सन को अरेस्ट करने से पहले या तो CG से परमिशन लेगी या डायरेक्टर ऑफ SFIO से परमिशन लेगी, पक्का याद रहेगा। SFIO की टीम किसी भी पर्सन को बिना परमिशन लिए अरेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। चलो देखो मैंने ये लिख दिया, बोलता है एनी पर्सन हैज फाउंड डन ऑफेंस अंडर सेक्शन 212, देन SFIO शैल आफ्टर गिविंग रीजन टेस्टिंग एंड अरेस्ट करने के बाद बेटा विद इन 24 आवर्स एक्सक्लूडिंग जर्नी पीरियड, याद रखना 24 घंटे के अंदर जर्नी पीरियड को हटा के, नीड टू सेंड जुडिशियल और मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट। मैंने आगे क्या लिखा है देखना बेटा, अरेस्ट कैन ओनली बी पॉसिबल इफ ऑर्डर हैज बीन टेकन फ्रॉम डायरेक्टर ऑफ SFIO और सेंट्रल गवर्नमेंट। बेटा आप SFIO को भले किसी बंदे पे शक है किसने ऑफेंस किया है, आप डायरेक्ट पकड़ नहीं सकते, पहले आप सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लो या फिर जो आपके हेड हैं डायरेक्टर्स हैं SFIO के उनसे परमिशन लो, तभी उस पर्सन को अरेस्ट करना। और अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर जर्नी पीरियड हटा के आपको क्या करना पड़ेगा, जुडिशियल और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को उस पर्सन को ट्रांसफर कर देनी पड़ेगी, ठीक है। चलो आगे पढ़े तो क्या बोलता है, इमीडिएटली आफ्टर अरेस्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ SF ऑफ सच अरेस्ट ऑफ सच पर्सन SFIO शैल फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ ऑर्डर With material in his possessions in a sealed envelope। बेटा देखो आपने persons को पकड़ लिया, ठीक है, अब persons को पकड़ने के बाद के पॉकेट में जो भी पर्स होंगे, जो भी पैसे होंगे या फिर जो भी चीज मेटेरियल होंगे, घड़ी होगा, ये सारे को सील्ड इन्वॉल्व करके, ठीक है, SFIO के टीम को, ठीक है, क्या करना है उसको फॉरवर्ड कर देना है, क्या कर देना है उसको फॉरवर्ड कर देना है, क्या याद रहेगा बेटा, ठीक है। चलिए लिखा बेटा, इमीडिएटली आफ्टर अरेस्ट of such person SFIO shall forward a copy of order along with the material in his possession in sealed envelope, ठीक है, पक्का याद रहेगा। चलो अब बेटा देखो क्या बोलता है, प्री प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 1956 shall be transferred to 217। अगर पुरानी एक्ट में कोई प्रोसीडिंग चल रहे होंगे तो उसको भी क्या करो, यहाँ पे ट्रांसफर कर दो। अब सुनना बेटा, आपने इन्वेस्टिगेशन खत्म कर दी, उसके बाद जो भी पुराने इन्वेस्टिगेशन वाले ने बेचारे जो भी पुराने इन्वेस्टिगेशन वाले चल रहे थे उन्होंने अपना इन्वेस्टिगेशन रोक के आपको मटेरियल दिया था, डॉक्यूमेंट्स दिया था, इन्फॉर्मेशन दिया था, सारे क्या करना पड़ेगा आपको, अब उनको वापस करना पड़ेगा, पक्का याद रहेगा। सुनो क्या बोलते हैं बेटा, एवरी अदर डिपार्टमेंट हु हैड एनी डॉक्यूमेंट्स विद द कंपनी एंड रिलेवेंट इन्फो शैल सबमिट टू द SFIO, ये आपने ऊपर कर दी थी, बोलता है एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय SFIO शैल फॉरवर्ड द सेम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट एंड ऑफिसर्स टू CG इनकम टैक्स, ठीक है, सबको वापस कर देगा, क्या याद रहेगा बेटा। चलो ये आपका सेक्शन 212 था, अब हम पढ़ते हैं बेटा सेक्शन 213। देखो बेटा सेक्शन 213 पढ़ने से पहले मैंने आपको कुछ मैसेज लिखा था ना, क्या बोलता है, मैंने क्या लिख दिया है, बोलते मैं बोलना चाह रहा हूं, द कंटेंट ऑफ दिस सेक्शन इज ऑलमोस्ट सेम एज सेक्शन 241 एंड 244 ऑफ चैप्टर प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। आपने प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट पढ़ा, लेक्चर नंबर कौन था हमारा, लेक्चर नंबर 5 था हमारा, तो वहां पे आपने सेक्शन 241 एंड 244 पढ़ा होगा,
सेम टू सेम सेम कंडीशन है बेटा, ठीक है, लिमिट भी सेम है। मैं इसको आपको शॉर्ट में बताया, क्या बोलता है बेटा कि अगर 210 में इन्वेस्टिगेशन के लिए तीन लोगों ने ऑर्डर नहीं दिया, कौन कौन सा, रिपोर्ट अंडर सेक्शन 208, एसआर पास बाय द कंपनी और पब्लिक इंटरेस्ट, तो भी ट्रिब्यूनल चाहे तो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है अगर ट्रिब्यूनल को कोई भी पर्सन, ठीक है, अगर एप्लीकेशन दे रहा है। लेकिन पर्सन की लिमिट कितनी बोलता है, लिमिट बोलता है देखो बेटा क्या लिखा है, 1/10 या 100, व्हिचएवर लेस बोलता है बेटा, 1/10 या 100, व्हिचएवर लेस, अगर ये लिख के दे रहे हैं तो इन्वेस्टिगेशन कर देगा। या फिर ये इन केस ऑफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है, अगर कंपनी का शेयर कैपिटल नहीं है तो 1/5, ठीक है, तो ये तो ट्रिब्यूनल क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन कर देगा। ये सेक्शन 213 में इतना लिखा है बेटा बस, ठीक है, देखना बेटा सेक्शन 213 यहाँ लिखा है, क्या बोलता है, ऑन एप्लीकेशंस मेड बाय एनी पर्सन, कोई भी पर्सन एप्लीकेशन कर सकता है सेक्शन 213 में, ट्रिब्यूनल्स एंड ही सेटिस्फाई दैट बिजनेस इज कंडक्टेड टू डिफर इट्स क्रिएटर्स मेंबर्स एनी पर्सन अदरवाइज या लॉफुल पर्पस या ऑपरेटिव टू क्रिएटर्स मेंबर्स ऑफ कंपनी या पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी हैज डन समथिंग फ्रॉड या कंपनी हैज नॉट गिवन ऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अफेयर्स ऑफ द कंपनी टू इट्स मेंबर। पर ध्यान से रखना बेटा, क्या बोलता है, ये तीन केसेज है जहां पर ट्रिब्यूनल एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर सकता है। कौन कौन सा केसेस, कि बिजनेस जिस पर्पस के लिए खुला था उस पर्पस से काम नहीं कर रहा, अनलॉफुल तरीके से काम कर रहा है, फ्रॉडलेंट पर्पस से काम कर रहा है, ठीक है, या फिर क्रिएटर्स को या मेंबर्स को या किसी पर्सन को धोखा दे रहा है। दूसरा, जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल थे प्रमोटर कंपनी के फॉर्मेशन के लिए या डायरेक्टर्स या मैनेजर्स कंपनी के मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, वही फ्रॉडुलेंट तरीके से काम कर रहे हैं, कुछ मिसकंडक्ट किया उन्होंने। और तीसरा बोलता है कि कंपनी ने मेंबर्स ने कुछ इन्फॉर्मेशन मांगा रिगार्डिंग अफेयर्स ऑफ द कंपनी और कंपनी उन इन्फॉर्मेशन को देने से मना कर रही है। तो इन अबव ऑल थ्री केसेस आफ्टर गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ऊपर के तीनों केसेस में रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देने के बाद ट्रिब्यूनल क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। मैं आपको पहले ही बोला था बेटा कि सोल पावर किसके पास है, इंस्पेक्टर अपॉइंट करने का, सीजी के पास है। तो ट्रिब्यूनल खुद ही इंस्पेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकता, वैसा ट्रिब्यूनल को क्या करना पड़ेगा, सीजी को लेटर लिख के देना पड़ेगा और सीजी क्या करेगी, वन और मोर इंस्पेक्टर अपॉइंट करेगी, ठीक है। देखो क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा सीजी को अपॉइंट वन और मोर इंस्पेक्टर टू इन्वेस्टिगेट फर्दर। पक्का याद रहेगा बेटा, कौन कौन सी केस होगी, तीन केस, सर कंपनी का ऑब्जेक्ट फ्रॉडलेंट तरीके से काम कर रहा हो, उसने क्या कर रहा है, क्रिएटर्स मेंबर को धोखा दे रहा है, या जो पर्सन रेस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी वही मिसकंडक्ट कर रहे हैं कुछ, या तीसरा क्या, कंपनी ने सर मेंबर्स को इन्फॉर्मेशन नहीं दी रिगार्डिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। इन तीन केस में ट्रिब्यूनल क्या करेगा, सीजी के पास जाएगा। पक्का याद रहेगा बेटा। चलो अब कौन कौन लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं, देखो मैंने शॉर्ट में कर दिया है, एप्लीकेशन कौन कौन कर सकता है, तो मैंने बोला कि इन केस कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, अगर कंपनी का शेयर कैपिटल है तो 500 मेंबर्स और मेंबर होल्डिंग 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर व्हिच एवर लेस। इन केस कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो 100 लोग या फिर 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर जिनके पास है वो लोग, व्हिच एवर लेस, दोनों में से जो कम होंगे वो कर सकते हैं ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन, या फिर अगर कंपनी शेयर कैपिटल वाली नहीं है तो 1/5 ऑफ मेंबर, ठीक है, वो कर सकता है ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन, सर 213 में आप इन्वेस्टिगेशन कराओ। पक्का याद रहेगा, क्योंकि हम एसआर पास करने के लिए इलिजिबल नहीं है, अगर ये एसआर पास करने के लिए इलिजिबल होते तो डायरेक्ट कहां पे करवाते, 210 में करवाते। पक्का याद रहेगा। अब सुनने बेटा, नोट क्या मैंने क्या लिख दिया है, पनिशमेंट शैल बी मैनर इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 447, ठीक है बेटा। मैं शॉर्ट में बोल दू, मैंने एक्चुअली एक्स्ट्रा लिख दिया आपको, मैं आपको बता दू, सेक्शन 229 पढ़ेंगे बेटा। सेक्शन 229 बोलता है कि कोई भी ऐसे जगह जहां पे ऑफेंस में नहीं लिखा हुआ है, मतलब कहीं भी अगर आपने डिसोबे किया रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन के टाइम में कंपनी के ऑफिसर्स ने या कंपनी के डायरेक्टर्स ने किसी पर्सन ने या कोई भी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट को फाड़ के फेंकने की, डिस्ट्रॉय करने की, जलाने की कोशिश की, उनको 447 फ्रॉड पे, 447 किसके लिए, फ्रॉड के लिए, फ्रॉड माना जाएगा और उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, पेनलाइज किया जाएगा। पक्का याद रहेगा बेटा। चलो अब 213 पे आ गया, 214 और 215 बताता हूँ, फिर आपको रिकॉल कराता हूँ। 214 215 बहुत छोटा है बेटा, ठीक है, रिकॉल कर लेते हैं। क्या बोलता है 214 बोलता है, सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस। बेटा याद रखना, जस्ट आपने पढ़ा था ऊपर ही, सिक्योरिटी कितना होता है, नॉट एक्सीडिंग 25,000, ठीक है। सिक्योरिटी कितना होगा, जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल एप्लीकेशन कर रहे हैं, देखो बेटा 210 में एप्लीकेशन कर रहे थे, वहां तो डायरेक्ट लिखा हुआ था, वही लिखा हुआ था, लेकिन
212 में नहीं लिखा, 213 में नहीं लिखा, तो बोलता है बेटा 212 और 213 के लिए जो भी एप्लीकेशंस कर रहे हैं ठीक है, उनको 25,000 तक की ड्यूटी देनी पड़ सकती है जो कि रिफंड हो जाएगा अगर इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन में बदल गया तो। मतलब जो एप्लीकेशन आपका अगर वैलिड हो गया कि सच में कुछ घोटाला था तो आपका 25,000 क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। पक्का याद रहेगा, अगर इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन में नहीं हुआ तो 25,000 रिफंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये माना जाएगा कि आपने एप्लीकेशन क्या थी, बेकार था, आपने जानबूझ के ट्रिब्यूनल का टाइम वेस्ट किया, फालतू में इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट करवाया और उनके खर्चे कौन बियर करेगा, इसीलिए 25,000 अगर प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ तो वापस नहीं होगा। पक्का याद रहेगा बेटा, ये लिखा हुआ है सेक्शन 214 में। सेक्शन 215 क्या बोलता है बेटा, चुनना ये जो बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर अपॉइंट करेगा, इंस्पेक्टर अपॉइंट करेगा बोले जा रहे हो सर, ये इंस्पेक्टर कौन होगा, तो सेक्शन 215 बोलता है बेटा इंस्पेक्टर कोई भी होगा अदर देन फर्म बॉडी कॉर्पोरेट और एनी एसोसिएशन। मतलब कोई भी फर्म बॉडी कॉर्पोरेट या एसोसिएशन ऑफ पर्सन इंस्पेक्टर नहीं बन सकता, इसका मतलब इंस्पेक्टर कोई इंडिविजुअल पर्सन ही होगा। पक्का याद रहेगा बेटा, सेक्शन 215 बोलता है कोई भी फर्म बॉडी कॉर्पोरेट एसोसिएशन इंस्पेक्टर नहीं बन सकता, ठीक है, इतना ही बोलता है सेक्शन 215, बहुत छोटा है बेटा। अब सेक्शन 216 सुन लो बेटा, बहुत इजी है, सुन लो बेटा कि ठीक क्या बोलता है। तो सेक्शन 216 बोलता है कि इन्वेस्टिगेशन इनटू ओनरशिप ऑफ कंपनी, कंपनी के उन पर्सनों पे जिनके पास ओनरशिप है उन पे इन्वेस्टिगेशन करना है, तो कहां पे आना पड़ेगा, 216 में बेटा। 210 बोल रहा था इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ द कंपनी, वहां पे कंपनी के अफेयर्स में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। 212 में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो भाई, SFIO कर रहा है, सीरियस फ्रॉड था इसीलिए। 213 में ट्रिब्यूनल कर रहा है इन्वेस्टिगेशन, 216 में कौन कर रहा है, फॉर ओनरशिप ऑफ कंपनी। तो बोलता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि कोई रीजनेबल ग्राउंड है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल है फॉर सक्सेस एंड फेलियर ऑफ द कंपनी, जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल है फॉर सक्सेस एंड फेलियर ऑफ कंपनी उन पे इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है, या जो भी पर्सन पास पावर है कंट्रोलिंग कंट्रोली इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन ऑफ कंपनी, जो भी पर्सन जिनके पास पावर है कंट्रोलिंग और मैटरली इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन ऑफ कंपनी उन पे इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है। बस 216 बेटा इतना बोलता है, ठीक है। आप सुनना बेटा, यहाँ पे 216 में ट्रिब्यूनल के पास पावर भी है और सीजी के पास, दोनों के पास पावर है, दोनों चाहे तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। पक्का याद रहेगा, चलो अब मैं रीडिंग करवा देता हूँ। क्या बोलता है बेटा, इफ सेंट्रल गवर्नमेंट थिंक्स दैट देयर इज रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट इन्वेस्टिगेशन इज नेसेसरी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि कुछ रीजनेबल ग्राउंड है और इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए ऑन किन पे, पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस एंड फेलियर ऑफ कंपनी, जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल है फॉर सक्सेस एंड फेलियर ऑफ कंपनी, ठीक है, और हु आर कंट्रोलिंग और मैटरली इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन ऑफ कंपनी, जो कंपनी के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और डिसीजन को कंट्रोल कर रहे हैं उन पे, ऐसे केस में सीजी क्या करेगा, अपॉइंट करेगा वन और मोर पर्सन एज इंस्पेक्टर। मैंने आपको पहले ही बोला बेटा, पूरी सेक्शन में पूरी एक्ट में इंस्पेक्टर अपॉइंट करने का पावर तो किसके पास है, सीजी के पास ही है, ठीक है। देखो मैंने लिखा बेटा ट्रिब्यूनल भी कर सकता है, तो मैंने लिख दिया है इवन ऑन ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल सेंट्रल गवर्नमेंट शैल हैव टू अपॉइंट इंस्पेक्टर, अगर ट्रिब्यूनल भी ऑर्डर करेगा तब भी इंस्पेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। अब फिर मैंने बेटा एक नोट लिखा है, देखना बेटा नोट वन क्या लिखा है, मैटर्स स्कोप्स एंड टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन शैल बी डिटरमाइंड बाय सीजी, मैटर इन्वेस्टिगेशन और टाइम ये कौन डिसाइड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। पक्का याद रहेगा बेटा, बेटा नॉर्मल सी बात बताऊं, पूरी एक्ट में भी, फिर सुन लो पूरी एक्ट में भी, कंफ्यूज मत होना एग्जाम में, पूरी एक्ट में भी ये मैटर स्कोप एंड टाइम डिसाइड करने का पावर सीजी को ही है, सिर्फ 216 के लिए नहीं लिखा है, सारे के लिए लिखा है, शॉर्ट में याद रखना बेटा, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं बेटा 217, 217 मैंने याद कर मैं बताया था पावर्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पावर्स एंड प्रोसीजर इंस्पेक्टर, ठीक है। चलो जब लिखा ना पावर्स एंड प्रोसीजर ऑफ इंस्पेक्टर, चलो 217 पढ़ लेते हैं, फिर बहुत छोटे छोटे सेक्शन है बेटा, फटाफट खत्म कर लेंगे, फिर एक बार रिकॉल कर लेंगे, ठीक है। मैं पक्का रिकॉल करा दूंगा, इन्वेस्टिगेशन चैप्टर आपको रिकॉल करा दूंगा, ठीक है। बताया 217 क्या बोलता है, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी ऑफिसर्स एम्प्लॉई एंड एजेंट्स प्रिजर्व बुक्स एंड प्रोड्यूस बिफोर इंस्पेक्टर एंड प्रोवाइड ऑल असिस्टेंस टू इंस्पेक्टर व्हिच आर रीजनेबली एबल टू गिव। नॉर्मल सी बातें बोलता है, जो भी इंस्पेक्टर आए हैं उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स जो भी इंफॉर्मेशन आप दे सकते हो उनको प्रोवाइड कराओ, जो भी असिस्टेंस आप दे सकते हो हेल्प कर सकते हो करो, पीछे मत हटना, जितना हद तक आप हेल्प कर सकते हो उनको हेल्प करो, इंस्पेक्टर को आपको हेल्प करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, ये बोलता है 217। बोलता है
हेयर इंस्पेक्टर हैज पावर इन्वेस्टिगेट इनटू अदर बॉडी कॉर्पोरेट फॉर प्रोड्यूसिंग एनी इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट एंड बुक्स अवेलेबल टू इन कनेक्शन विद द इन्वेस्टिगेशन। 2017 में इंस्पेक्टर को पावर दिया है कि अगर कोई रिलेटेड बॉडी कॉर्पोरेट है, रिलेटेड कंपनी है, उनका भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। अब सुनना बेटा कैसे, 212 में इंस्पेक्टर SFIO की टीम आए, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उनको लगता है कि इस कंपनी का मैनेजर दूसरे कंपनी में भी क्या है, मैनेजर है। तो इंस्पेक्टर चाहे तो दूसरे कंपनी को भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है, पक्का याद रहेगा बेटा। इसीलिए बोला है कि अदर बॉडी कॉर्पोरेट को भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है, उनके बुक्स एंड पेपर भी देख सकता है। ठीक है, अब बात आते हैं बेटा, सुने बेटा, कि बुक्स एंड पेपर क्या सीज करके रख सकता है। तो हाँ, इंस्पेक्टर यहाँ भी बुक्स एंड पेपर को सीज करके अपने पास रख सकता है, लेकिन कितने दिन, सेम पीरियड है बेटा, याद रहेगा 80 डेज, और वापस करना पड़ेगा, और दोबारा आप 180 डेज वापस करना पड़ेगा, और दोबारा 180 डेज के लिए आप रख सकते हो। बातें सेम है बिल्कुल, जैसे आपने सेक्शन 209 में सर्च एंड सीजर पढ़ा, सेम टू सेम बातें। 217 में क्या बोलता है बेटा, आपको सहयोग करनी है, आप ऑफिसर्स कंपनी के डायरेक्टर्स हो, ठीक है, कंपनी कोई भी मेंबर हो, अगर आपसे इन्फॉर्मेशन मांगा जाता है, कौन मांगेगा, इंस्पेक्टर, तो आपको हेल्प करना है। ठीक है, और वही बोलता है कि कोई बॉडी आप अगर उनके बुक्स एंड पेपर रखना चाहते हो तो 180 दिन रख सकते हो, दोबारा 180 दिन के बाद ही मंगाने का मन है, पहले वापस कर दो और फिर दोबारा बाय रिटर्न लेटर वापस मंगा लो। ठीक है, इतना बोलता है सेक्शन 217। और ये बात सेक्शन 217 में लिखी, उसको पढ़ लेते बेटा। ठीक है, चलो सुनना बेटा क्या लिखता है, ये लास्ट इतनी बातें बोलता है सेक्शन 217। बोलता है कि अगर किसी पर्सन को एग्जामिन करना है, ध्यान सुनना बेटा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, अभी तक नहीं आया। सेक्शन 217 बोलता है अगर इंस्पेक्टर को किसी पर्सन को एग्जामिन करना है ऑन ऑथ पे किसी पर्सन को एग्जामिन करना है, अगर वो पर्सन कंपनी का रिलेटेड है, कंपनी का ही है, तो आप एग्जामिन कर सकते हो। अगर वो पर्सन किसी अदर कंपनी का है, अदर बड़ी कॉर्पोरेट का है, तो पहले आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, पक्का याद रहेगा। अगर उसी कंपनी का बंदा है तो आप इजीली कर लो, कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी अदर कंपनी का बंदा है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी। देखो क्या बोलता है, फॉर कंपनी एम्प्लॉई और ऑफिसर नो परमिशन रिक्वायर्ड, कंपनी ऑफिसर्स के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है, लेकिन बट फॉर अनदर पर्सन लाइक पर्सन ऑफ अदर बॉडी कॉर्पोरेट, उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत पड़ेगी, याद रहेगा बेटा। आप सुनना बेटा, या ध्यान से मेरी बात सुनना है, मैंने डांग नोट लिख दिया है बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन पड़ेगी बोल रहा है, लेकिन बेटा याद रखना, अगर SFIO के टीम आते हैं इन्वेस्टिगेशन करने, तो ऐसे केस में उनको CG की परमिशन हो। आप याद करो SFIO में 212 में मैंने बोला था कि अरेस्ट करने के लिए या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर लेके आओ या हेड ऑफ डायरेक्टर की ऑर्डर लेके आओ। 212 की बात कर रहा हूँ बेटा, अरेस्ट करने के लिए 212 में आपने पढ़ा कि या तो CG की परमिशन लेके आओ या हेड ऑफ डायरेक्टर की परमिशन लेके आओ, अपने हेड ऑफ डायरेक्टर की परमिशन लेके आओ। तो यहाँ भी सेम बात बोल दिया बेटा कि सेक्शन 212 केस में अगर हेड ऑफ डायरेक्टर भी लिख के देता है कि इस पर्सन को एग्जामिन कर ऑन ओथ करने के लिए आप अलाउ हो, तो आप एग्जामिन कर सकते हो, CG की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, पक्का याद रहेगा। चलो देखो क्या होता है, फॉर इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 212 इन केस ऑफ SFIO रिकॉल, देयर इज अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर ऑफ SFIO और CG वाज रिटेन, इट मींस परमिशन ऑफ एनी वन इज सफिशियंट, मतलब अगर डायरेक्टर भी परमिशन देता है आपको एग्जामिन ऑथ पे करने के लिए सेक्शन 212 के केस में, तो कर सकते हो। तो फिर सर ये किन किन सेक्शनों पे लगेगा बेटा, ये लगेगा सेक्शन 216 के केस में, अगर आपको एग्जामिन करना है ऑथ पे, तो सेम कंपनी का है तो कर सकते हो, दूसरे कंपनी का बंदा है तो CG का परमिशन लो। सेक्शन 213 पे दूसरे कंपनी का है तो CG का परमिशन लो। सेक्शन 210 पे दूसरे कंपनी का है तो CG का परमिशन लो। सिर्फ सेक्शन 212 के लिए दूसरी कंपनी का है तो CG या डायरेक्टर ऑफ SFIO की किसी भी एक का परमिशन ले लो, पक्का याद रहेगा। चलो पढ़ते हैं बेटा आगे, अगर आपने 210 की कॉन्ट्रावेंशन किया, ध्यान से देखना बेटा, मैंने बहुत शॉर्ट में बना दिया है, अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन किया 217 का, बोलता है अगर डायरेक्टर्स या ऑफिसर्स ने डिसोबे किया है, एनी डायरेक्शन इश्यूड बाय रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर, अगर डायरेक्टर्स या ऑफिसर्स ने डिसोबे किया एनी डायरेक्शन इश्यूड बाय इंस्पेक्टर, तो इंप्रिजनमेंट है 1 साल का या फाइन है 25,000 से 1,00,000 तक का, इंप्रिजनमेंट है 1 साल का या फाइन है 30,000 से 1,00,000 तक का, ठीक है, या एनी पर्सन फेल्स टू प्रोड्यूस या फर्निश एनी डॉक्यूमेंट
वो पर्सन क्या है, कंपनी के डायरेक्टर्स नहीं है, ऑफिसर नहीं है, कोई और पर्सन है, ठीक है, बुक से अकाउंट नहीं दे पा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पा रहे, कोई और पर्सन कौन होंगे, रिलेटेड कंपनी के बंदे होंगे, याद रखना बेटा, रिलेटेड कंपनी के पर्सन है, और वो डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए इंस्पेक्टर को, इंस्पेक्टर ने कुछ इन्फॉर्मेशन मांगा दे नहीं पाए, तो उनके लिए इम्प्रिजनमेंट कितना है, 6 महीने तक की या 25,000 से 1,00,000 तक का फाइन, अगर कंटीन्यूअस नेचर का है तो 2,000 रुपए पर डे और बढ़ जाएगा, कंटीन्यूअस नेचर का है तो 2,000 रुपए पर डे और बढ़ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना बेटा 2,000 रुपए पर डे और बढ़ जाएगा, बिल्कुल याद रहेगा बेटा। कॉन्ट्रावेंशन जनरली बेटा हमें एग्जाम टाइम में कॉन्ट्रावेंशन किसी भी सेक्शन के याद नहीं रहते, इसीलिए कॉन्ट्रावेंशन ना भी पढ़ो आपको चल जाएगा बेटा, ठीक है, लेकिन प्रोविजन बेटा याद रखना, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं बेटा, सेक्शन 217 की बेटा देखो, ये कुछ बातें लिखी थी मैंने आपको यहाँ से ना, इसलिए जो बातें लिखी हुई थी ना इसको मैंने शॉर्ट करके आपको काटने की कोशिश की, क्यों काटा मैंने, मैंने आप यहाँ लिख दिया बेटा, दिस इज सेम एज यू हैड रीड इन सेक्शन 207, मैंने बोला ना सेक्शन 207 में तीन कंडीशन थी, याद है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में पावर दिया गया, मैंने बोला था ना कि इंस्पेक्टर को कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में जो भी पावर दिए गए वही पावर यहाँ भी दिया गया है, तीन पावर बेटा, डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, समोइंग एंड इन्फोर्सिंग अटेंडेंस ऑफ पर्सन, इंस्पेक्शन ऑफ एनी बुक्स रजिस्टर्ड एट एनी प्लेस, याद है, तो इसलिए मैंने लिख दिया है कि आपको बर्डन ना हो बार बार पढ़ने का, इसलिए मैंने आपको यहाँ डैड ये बॉक्स बना के लिख दिया वो बातें, आपने 207 में पढ़ रखा है उसी को माइंड में लेके चलना, ठीक है। कोई दिक्कत बेटा, आपको स्पीड लग रही है तो मुझे बताओ पहला, स्लो कर दूं, चलो अब पढ़ते हैं सेक्शन 218, क्या पढ़ेंगे बेटा हम सेक्शन 218। अच्छा सुनने बेटा, ये जो एग्जामिन कर रहा है, एक बार मेरा सुन लेना, मैं बताना भूल गया सॉरी, ये जो एग्जामिन कर रहा हूँ यहाँ पे बेटा, ठीक है, यहाँ पे जब आप एग्जामिन करोगे ऑथ पे लेके, तो कोई भी पॉइंट जो डिस्कस होगा एग्जामिनेशन ऑन ऑथ पे, कोई भी पॉइंट डिस्कस होगा तो उसको एज ए एविडेंस माना जाएगा, ठीक है, लेकिन कब माना जाएगा एविडेंस, जब जो बंदा एग्जामिन, जिस बंदे को एग्जामिन किया जा रहा है उसका सिग्नेचर हो, पक्का जाएगा, जो भी डॉक्यूमेंट एग्जामिन हो रहे हैं उसको रिकॉर्ड माना जाता है, एविडेंस माना जाता है, लेकिन तभी माना जाएगा जब साइन कर, आपको साइन लेना पड़ेगा, जिस पर्सन को आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो उसका साइन ले लो, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है ब्रीफ पॉइंट्स डिस्कस ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ऑन ओथ शुड बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग एंड साइन बाय अ पर्सन एग्जामिन एज वेल इट इज रिक्वायर्ड फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, पक्का याद रहेगा बेटा। चलो अब सुनना बेटा, सेक्शन 217 में और कुछ लिखा हुआ है, बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को दूसरे देश के साथ भी रेसिप्रोकल एग्रीमेंट है, इसका मतलब क्या होता है सर, बेटा इसका मतलब होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है ना उसके पास दूसरे देश में अगर कोई जिस बंदे को इन्वेस्टिगेट करना है लेकिन वो दूसरे देश में रहता है तो सीजी उनको लेटर देगा बेटा, उसे बोलते हैं लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, और लेटर ऑफ रिक्वेस्ट के थ्रू क्या करेगा, उस बंदे से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन मंगवाना है मंगवाएगा, या उस बंदे को एग्जामिन करना चाहता है ओथ पे तो करवाएगा, पक्का याद रहेगा। और सुनना बेटा, अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने जो भी बातें बता देगा उस पर्सन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर देगा तो सीजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है 30 दिन के अंदर उसको क्या करे, कोर्ट में सबमिट करे, कितने दिन के अंदर कोर्ट में सबमिट करे, 30 दिन के अंदर। सो याद रखना यहाँ क्या लिखा है बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट मे इंटर इंटू एग्रीमेंट विथ गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन स्टेट फॉर रेसिप्रोकल एग्रीमेंट असिस्ट एनी इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन फॉर दिस एक्ट और कॉरेस्पॉन्डिंग लॉ अदर स्टेट। सीजी रेसिप्रोकल एग्रीमेंट किसी और देश के लोगों से गवर्नमेंट से कर सकता है, ठीक है। फॉर दिस पर्पस सेंट्रल गवर्नमेंट शैल मेक एन एप्लीकेशन टू कॉम्पिटेंट कोर्ट एंड अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया अरेंज सच इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट ऑफ सच पर्सन, दिस इज डन बाय लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, क्या करेगा बेटा, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट से करेगा, ठीक है। अब मैंने आपको बोला बेटा याद रखना, विदेश से जो भी डॉक्यूमेंट आएगा, जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा उनको एज एविडेंस माना जाएगा कोर्ट में, पक्का याद रहेगा। लेकिन जिस दिन सीजी को रिसीव हुआ उसके 30 दिन के अंदर, ठीक है, उसके 30 दिन के अंदर उनको क्या करना पड़ेगा, कोर्ट को सबमिट करना पड़ेगा, पक्का याद रहेगा। जब इंस्पेक्टर ने रिसीव किया उसके 30 दिन के अंदर किसको सबमिट करना पड़ेगा, कोर्ट को सबमिट करना पड़ेगा। देखो लाइन लिखा बेटा, एवरी डॉक्यूमेंट रिसीव और कलेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड कंट्री, बाहर की कंट्री से जो भी इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट रिसीव हुआ शैल बी डीम्ड टू बी एविडेंस, उनको एविडेंस मानेंगे, बट मानेंगे एंड सेम शैल बी विद इन 30 डेज नीड्स टू बी सबमिट इंस्पेक्टर, क्या बेटा चलो 30 डेज कैन बी एक्सटेंडेड, अगर 30 दिन के अंदर आप सबमिट नहीं कर पाए लेकिन रीजनेबल ग्राउंड है तो कोर्ट आपको एक्सटेंड कर सकता है उस पीरियड को, ठीक है। चलो
अब सुनने बेटा, अब आगे पढ़ते हैं सेक्शन 218। क्या पढ़ेंगे बेटा? सेक्शन 218 फटाफट खत्म कर लेते हैं, फिर मैं रिकॉल कराता हूँ बेटा, ठीक है आपको। अब छोटे छोटे सेक्शन है बेटा, सेक्शन 218 छोटा सेक्शन है। क्या पढ़ते हैं बेटा, क्या बोलता है सेक्शन 218 की हेडिंग, क्या पता है आपको? सेक्शन 218 बोलता है इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। सेक्शन 218 बोलता है प्रेक्शन ऑफ एम्प्लॉय ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। आपको शॉर्ट में बोल देता हूँ बेटा, ठीक है, और आगे लंबा बढ़ाने से अच्छा है शॉर्ट में बोलता हूँ, ठीक है बेटा। सुनो बेटा, इन्वेस्टिगेशन के टाइम में अगर किसी इम्प्लॉय पकड़ा जाता है या ये पाया जाता है कि उस इम्प्लॉय ने कुछ गलती की है, तो कंपनी चाह के भी उस इम्प्लॉय का एम्प्लॉयमेंट चेंज नहीं कर सकता, उस इम्प्लॉय को निकाल नहीं सकता या उस इम्प्लॉय की कोई भी पोस्ट को डेजिग्नेशन को रिड्यूस नहीं कर सकता। पक्का याद रहेगा बेटा, अगर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन किसी ऑफिसर्स पे चार्ज पाया जाता है या किसी ऑफिसर ने गलती किया ये पाया जाता है, तो कंपनी की कोई भी मीन्स नहीं बनता उस पर्सन को निकाल दे, उस ऑफिसर्स या डायरेक्टर्स को एम्प्लॉयमेंट चेंज कर दे या उनकी डेजिग्नेशन कम कर दे, अनलेस एंड अनटिल उनको ट्रिब्यूनल से नहीं ऑर्डर नहीं मिलता। इसका मतलब उस पर्सन कंपनी को पहले सबसे पहले ट्रिब्यूनल का परमिशन लेना पड़ेगा, सर इस पर्सन ने गलती की है और ये इस डेजिग्नेशन के लायक नहीं है या इस पोस्ट के लायक नहीं है, तो हमें इसको निकालना है। पक्का समझ रहे हो? नहीं तो उसके बिना नहीं कर सकते बेटा। ये लिखा हुआ है सेक्शन 218 में। अब सुनना बेटा, ट्रिब्यूनल बोलता है ट्रिब्यूनल ने अगर 30 दिन के अंदर रिप्लाई दे दिया तो जो ऑर्डर में लिखा होगा वही मानना पड़ेगा, लेकिन अगर ट्रिब्यूनल ने 30 दिन के अंदर रिप्लाई नहीं दिया, ठीक है, ट्रिब्यूनल ने 30 दिन के अंदर रिप्लाई नहीं दिया, तो ऐसे केस में क्या होगा कि कंपनी के पास राइट आ जाएगा, तो कंपनी जब चाहे निकाल सकता है। पक्का याद रहेगा, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, निकालने से पहले ट्रिब्यूनल को लेटर देना है। ट्रिब्यूनल ने अगर ऑर्डर में जो लिख के 30 दिन के अंदर रिप्लाई दे दिया तो ट्रिब्यूनल में ऑर्डर में जो लिखा होगा वो माननी पड़ेगी कंपनी को, ठीक है। निकालने के लिए बोल रहा है तो निकाल दो, नहीं निकालने के बोल रहा है तो मत निकालो, लेकिन ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर नहीं दिया 30 दिन के अंदर तो फिर कंपनी निकाल सकता है या कंपनी जो चाहता है एम्प्लॉयमेंट चेंज करना चाह रहा हो या डिजिग्नेशन चेंज करना चाह रहा हो कर सकता है। पक्का याद रहेगा, मजा वहां नहीं बेटा, मजा यहाँ है। सुनने बेटा, अगर कोई एग्री हो जाता है बाय ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, कोई भी एम्प्लॉय अगर एग्री होते हैं बाय ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, तो याद रखना अगर कोई एम्प्लॉय एग्री होते हैं बाय ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, ऐसे केस में एम्प्लॉय एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास, यहां सुन रहे हो, अगर कोई एम्प्लॉय एग्री हो जाते हैं बाय ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल तो ऐसे केस में वो एम्प्लॉय अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास अपील कर सकता है। पक्का याद रहेगा, चलो। लेकिन बेटा ध्यान से सुनना, अगर अपील में फिर जो अपीलेट ट्रिब्यूनल जो ऑर्डर देगा ना उसके बाद, अब अपीलेट ट्रिब्यूनल जो भी ऑर्डर पास करेगी या ट्रिब्यूनल की ऑर्डर को सेट असाइड कर दे, ट्रिब्यूनल की ऑर्डर को मॉडिफाई कर दे, जो भी ऑर्डर अपीलेट ट्रिब्यूनल पास करेगा वो मानना पड़ेगा एम्प्लॉय को भी और कंपनी को भी, दोनों में क्या होता है बाइंडिंग होता है। लेकिन सुनना बेटा, ये तो चलो सर तब होगा जब ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया होगा, क्योंकि बेटा याद रखना अपील हमेशा ऑर्डर पे होता है, अगर ऑर्डर नहीं है तो अपील नहीं है। तो सर जब ट्रिब्यूनल ने 30 दिन के अंदर रिप्लाई नहीं दिया था और कंपनी ने एक्शन ले लिया था, ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में बेटा कंपनी जो करेगी वो एम्प्लॉय को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है, अपील पॉसिबल नहीं है। और सुनना बेटा, अपीलेट ट्रिब्यूनल ने जो भी ऑर्डर दिया ना वो फाइनल ऑर्डर होता है, उसके बाद फर्दर अपील पॉसिबल नहीं होती, ठीक है। ये लिखा हुआ है सेक्शन 218 में। चलो मैं पढ़ाया था बेटा, तो क्या लिखता है, फर्स्ट नोट दिस सेक्शन ओवरराइड एंटायर एक्ट। किसी भी एक्ट में, किसी भी एक्ट में कुछ भी बातें लिखी होंगी उनको सारे को ओवरराइड करता है ये सेक्शन। बोलता है कंपनी और अदर बॉडी कॉर्पोरेट विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ ट्रिब्यूनल डिस्चार्ज सस्पेंड चेंज इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनी ऑफिस ड्यू टू एनी मिसमैनेजमेंट डन बाय देम गेट फाउंड एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगर कोई कंपनी को, बॉडी कॉर्पोरेट को के कुछ भी मिलता है बिना अप्रूवल का वो नहीं कर सकता कंपनी, ठीक है। एक्चुअली मैं यहाँ पे नो लिखना चाह रहा था, शायद नो छूट गया होगा, ठीक है। एनी कंपनी नीड्स टू मेक एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल। अगर कोई भी कंपनी ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन देना, ठीक है, कोई भी कंपनी किसी एम्प्लॉय को निकालना चाह रहा है, उसका उसका डेजिग्नेशन कम करना चाह रहा है या उसके एम्प्लॉयमेंट चेंज करना चाह रहा है, पहले ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन देगा। If tribunal order is received within 30 days, do age according to order.
अपील किया मैंने इज पॉसिबल अपील कर सकते हैं एम्प्लॉय इफ ट्रिब्यूनल ऑर्डर इज नॉट रिसीव्ड इन 30 डेज देन कंपनी मे टेक एक्शन अगेंस्ट एम्प्लॉय तो कंपनी चाहे तो एक्शन ले सकता है क्योंकि ट्रिब्यूनल का ऑर्डर 30 दिन के अंदर नहीं आया याद रखना बेटा मैंने लिख दिया हुआ है हेयर अपील कैन नॉट बी पॉसिबल ठीक है अब नोट सुनना बेटा क्या लिखा है एम्प्लॉय एग्री बाय द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल मे अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल विद इन 30 डेज ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से कोई भी इम्प्लॉय एग्री हो जाते हैं तो उनको 3 के अंदर अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास ऑर्डर करना है बेटा कंफ्यूज मत होना आपको मैं अगर याद दिलाना चाहूँ आपने एनसीएलटी में पढ़ा है ठीक है कि कोई भी पर्सन एग्री होते हैं सेक्शन 241 था ना सॉरी 421 में आपने पढ़ा है कि 422 था आई थिंक 421 था ठीक है 422 में तो स्पेशल कोर्ट की बात आ गई सॉरी सुप्रीम कोर्ट की बात आ गई थी तो 421 था उसमें आपने पढ़ा था एपीलेट ट्रिब्यूनल को 420 में जब ऑर्डर की जो 420 वो है सर 2 साल के अंदर कर सकता है ट्रिब्यूनल रिवाइज तो जो भी ऑर्डर आता है ट्रिब्यूनल का उस पे 421 में आप क्या कर सकते थे अपील कर सकते थे ठीक कोई भी एग्री पार्टी अपील कर सकता था लेकिन उसमें टाइम लिमिट कितना लिखा था 45 डेज और यहाँ पे टाइम लिमिट कितना है 30 डेज ओके यार कंफ्यूज मत होना यहाँ पे 218 में अपील करने का एम्प्लॉय के पास टाइम लिमिट कितना है सिर्फ 30 डेज का है ठीक है चलो बेटा मैंने लिख दिया क्या लिख दिया देखना और मैंने नोट टू लिखा है ऑर्डर रिसीव फ्रॉम अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल बी फाइनल इट मींस एंड बाइंडिंग इट मींस नो फर्दर अपील इज पॉसिबल जो भी अपीलेट ट्रिब्यूनल लिख के दे देगा ना वो फाइनल माना जाएगा ठीक है पढ़ते बेटा सेक्शन 219 क्या बोलता है देखो बेटा सेक्शन 219 बोलता है पावर ऑफ इंस्पेक्टर टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन इन टू रिलेटेड कंपनी ये शॉर्ट थोड़ी सेक्शन है बेटा बोलता है इंस्पेक्टर चाहे रिलेटेड कंपनी में भी रिलेट कर सकता है आप बोलोगे सर ये तो हमने पढ़ रखा है बेटा नहीं पढ़ा 216 की आप हेडिंग पढ़ो वहां लिखा हुआ है पावर ऑफ इंस्पेक्टर टू इन्वेस्टिगेट इन टू ऑनरशिप ऑफ कंपनी यहाँ पे लिखा हुआ है इन टू रिलेटेड कंपनी वहां पे ऑनरशिप वाले लोगों को इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो और यहाँ पे रिलेटेड कंपनी में इन्वेस्टिगेट कर रहे हो दोनों फर्क है बेटा ठीक है अब सुनो रिलेटेड कंपनी का मतलब क्या बोलता है बेटा मैंने यहाँ लिख दिया हुआ है हियर इज एक्स्ट्रा पावर टू इंस्पेक्टर टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन टू रिलेटेड कंपनी अब रिलेटेड कंपनी कौन कौन होते हैं 3 कंपनी है बेटा कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट तो एनी टाइम सब्सिडरी या होल्डिंग था पेरेंट कंपनी का कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो एट एनी टाइम पेरेंट कंपनी का क्या था सब्सिडरी या होल्डिंग था कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जिसका सेम मैनेजिंग डायरेक्टर है जो प्रेजेंट कंपनी का है लेकिन ठीक है कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट इनका मैनेजिंग डायरेक्टर वही है जो मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे कंपनी के हैं जिनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है या फिर कोई भी पर्सन एनी टाइम मैनेजिंग डायरेक्टर हो किसी अदर कंपनी का और जो हमारे कंपनी का भी मैनेजिंग डायरेक्टर है क्या याद रहेगा बेटा पर्सन हु आर एट एनी टाइम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी 3 लोग क्या कौन कौन बॉडी कॉर्पोरेट जो भी होल्डिंग सब्सिडरी थे हमारे प्रेजेंट कंपनी के ठीक है या कोई बॉडी कॉर्पोरेट जिनके मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं लास्ट में कोई भी ऐसा पर्सन जो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर था कभी भी था ठीक है इन तीनों कंपनी पे भी इन तीनों लोगों पे भी क्या हो सकता है इन्वेस्टिगेशन हो सकता है ठीक है लेकिन बेटा ये बीइंग कंपनी के आउटसाइडर है ये तीनों लोग है क्या है कंपनी के आउटसाइडर लोग ये तीनों लोग क्या है कंपनी के आउटसाइडर है तो इन पे भी याद रखना बेटा आउटसाइडर लोगों पे इन्वेस्टिगेशन कभी भी पॉसिबल नहीं होता अनलेस आप सीजी से परमिशन ना ले लो यहाँ लिखा हुआ है बट प्रायर अप्रूवल ऑफ सीजी इज रिक्वायर्ड टू इन्वेस्टिगेट इनटू रिलेटेड कंपनी आप रिलेटेड कंपनी में इन्वेस्टिगेशन करने का पावर तो हमने दे रखा है 219 में आपको रिलेटेड कंपनी में इन्वेस्टिगेशन करने का पावर तो हमने दे रखा है लेकिन इन्वेस्टिगेशन तभी कर पाओगे जब आप सीजी से परमिशन लेके आओगे समझ रहे हो बात चलो 219 से बोलोगे सर 219 बोलता है इन्वेस्टिगेशन इनटू रिलेटेड कंपनी और ये क्या बोलता है सर कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो एट एनी टाइम सब्सिडरी या होल्डिंग थे हमारे प्रेजेंट कंपनी के या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जिसका मैनेजिंग डायरेक्टर्स या डायरेक्टर्स या मैनेजर हमारे प्रेजेंट कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर्स डायरेक्टर से मैनेजर था या फिर कोई भी पर्सन जो किसी भी टाइम में हमारे कंपनी को मैनेज कर रहा था इन तीनों लोगों पे सीजी के परमिशन लेने के बाद इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं ठीक है अब पढ़ते बेटा सेक्शन 220 बहुत छोटा सा सेक्शन है बेटा सर्च एंड सीजर सेम टू सेम बातें हैं याद रखना मैं बस एक लाइन में बताना चाह रहा हूँ बोलता है कोई भी अगर आपको डर होता है किसी भी मैनेजिंग डायरेक्टर या पर्सन का रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हो सकता है ठीक है
तो आप सर्च एंड सीजर कर सकते हो, ठीक है। और सर्च एंड सीजर बोलता है 220 में पावर है, कब तक रख सकते हो, यहाँ पे 180 दिन की पावर नहीं बेटा, यहाँ बोलता है एट एनी टाइम बट नॉट लेटर देन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। रखना बेटा यहाँ पे बुक्स ऑफ एंड अकाउंट सीज करके रखने का पावर का है, एनी टाइम बट नॉट लेटर देन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आपने 209 में पढ़ी थी, कितनी पावर थी 180 दिन का, फादर 180 दिन लिखा हुआ था। 217 में कितना था 180 दिन, फादर 180 दिन लिखा हुआ था, लेकिन 220 में बेटा मना है। 220 में क्या है, मना है। 220 में लिख रखा है कभी भी रख लो, जब तक रखना है जब तक मन रख लो, लेकिन इन्वेस्टिगेशन खत्म होने से पहले पॉज कर दो। क्या रहेगा बेटा, चलो ना बेटा अब पढ़ेंगे 221। जैसे ही 221 खत्म हो गया बेटा तो समझ लो कि आपका ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। 221 क्या बोलता है बेटा, ठीक है ध्यान से सुनना, 221 बोलता है फ्रीजिंग ऑफ एसेट की बात करता है, कि अगर ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन लेके ये चार लोग जाते हैं, अगर ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन लेके ये चार लोग जाते हैं और ट्रिब्यूनल को लगता है कि एसेट को फ्रीज करना बहुत जरूरी है, तो ट्रिब्यूनल क्या करेगा, एसेट को फ्रीज कर देगा बेटा। क्या बोलता है ट्रिब्यूनल में, और याद रखना बेटा 221 में और में एसेट को सिर्फ और सिर्फ 3 साल तक के लिए आप फ्रीज कर सकते हो। 221 में एसेट को सिर्फ और सिर्फ 3 साल के लिए फ्रीज कर सकते हो। और बेटा तीन लोग कौन कौन है बेटा, बोलता है कि ट्रिब्यूनल के पास अगर ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे सकता है फ्रीज करने के लिए अगर रेफरेंस मिलता है, बाय रेफरेंस कौन कौन दे सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करता है ट्रिब्यूनल को कि सर इस कंपनी की एसेट फ्रीज कर दो, मेंबर्स अंडर सेक्शन 244 याद है, तो मेंबर अंडर सेक्शन 244 कितना पढ़ा था याद करो, वहां पे लिखा था सेक्शन 244 प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट लिखा था कि सर इन केस ऑफ द कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल 100 और 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर और 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर व्हिच एवर लेस, और इन केस ऑफ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर, ठीक है। या फिर क्रेडिटर्स, क्रेडिटर भी अगर कर रहे हैं बोल रहे हैं सर एसेट फ्रीज कर दीजिए, लेकिन क्रेडिटर कौन से बेटा, वही क्रेडिटर यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं जिनके पास आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितनी है 1 लाख तक की है, जिनके पास आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितनी है कम से कम 1 लाख की है वही कर सकते हो, अगर 1 लाख से ज्यादा है तो भी कर सकते हो, ठीक है चलो। और लास्ट बोलता है अगर ट्रिब्यूनल को खुद ही लगता है कि एसेट को फ्रीज करना जरूरी है तो एसेट फ्रीज कर देंगे, पक्का याद रहेगा बेटा। बोलता है कि ट्रिब्यूनल को अगर इन तीन लोगों ने अगर लेटर दिया, एप्लीकेशन दिया एसेट को फ्रीज करने का, तो ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करेगा कि एसेट को फ्रीज करना है, या फिर ट्रिब्यूनल को खुद ही लगता है कि एसेट को फ्रीज करना जरूरी है, यहाँ पे खुद ही लगता है कि एसेट फ्रीज करना जरूरी है तो भी ट्रिब्यूनल एसेट फ्रीज कर देगा, ठीक है। मैंने लिख दिया बेटा एसेट फ्रीज करने का रीजन क्या होता है, फॉर रिमूवल एंड ट्रांसफर एंड डिस्पोजल ऑफ फंड्स एसेट्स प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपनी रिलेटेड टू पब्लिक इंटरेस्ट या मेंबर या क्रेडिटर, क्योंकि अगर कंपनी ने मान लो कंपनी लिक्विडेट होने वाला है और कंपनी जो भी एसेट वो बेचना चाह रही है तो क्रेडिटर को हार्म हो सकता है या शेयरहोल्डर्स को हार्म हो सकता है, तो ऐसे केस में ट्रिब्यूनल क्या करती है फ्रीज कर देती है। तो मैंने लिख दिया था बेटा नीचे देखो क्या बोलता है, नोट फ्रीज दैट एसेट फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर, ट्रिब्यूनल सिर्फ और सिर्फ 3 साल तक के लिए फ्रीज कर सकता है। क्या रहेगा बेटा, चार लोग कौन कौन है सर, पहला सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा सर मेंबर जो भी इलिजिबल है मेक एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 244, तीसरा सर क्रेडिटर जिसके पास 1 लाख तक का बैलेंस आउटस्टैंडिंग है, और चौथा सर ट्रिब्यूनल खुद ही लगता है कि रीजनेबल ग्राउंड है एसेट को फ्रीज कर देगा, ठीक है चलो। सर आप पढ़ते हैं सर 222 बेटा, मैंने यहीं पे खत्म किया है। 222 क्या बोलता है सर, ट्रिब्यूनल हेडिंग सुन लो क्या 222 का, मैंने ऐसे शॉर्ट में खत्म कर लिया इधर ही खत्म कर दिया। 222 बोलता है बेटा रिस्ट्रिक्शन लगाना है सिक्योरिटीज पे, ठीक है। तो बोलता है अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि सिक्योरिटीज पे रिस्ट्रिक्शन लगाना बहुत जरूरी है, ये कब लगेगा बेटा याद रखना, जब भी 216 में ऑनरशिप इन्वेस्टिगेशन होती है, और ऑनरशिप इन्वेस्टिगेशन क्यों होता है बेटा, क्योंकि ऑनरशिप तभी मिलता है जब शेयर हो, तो ऑनरशिप इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे ट्रिब्यूनल को लगता है कि सिक्योरिटीज पे रिस्ट्रिक्शन लगाना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ट्रिब्यूनल क्या करता है यहाँ पे 222 में सिक्योरिटी में रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। लेकिन बेटा यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन यही नवंबर में आया था कि रिस्ट्रिक्शन लगाना चाह रहा था 3 साल से ज्यादा के लिए, क्या लगा पाएगा, तो आपको बोलना था बेटा कि नहीं 3 साल से ज्यादा के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा पाएगा, पक्का याद रहेगा बेटा। तो सेक्शन ट्रिब्यूनल क्या सेक्शन 222 में रिस्ट्रिक्शन यहाँ भी आप 3 साल से ज्यादा के नहीं लगा पाओगे। तो 221 में क्या था सर, 3 साल से ज्यादा एसेट फ्रीज नहीं कर सकते, 222 में सर 3 साल से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, ठीक है। अब पढ़ते हैं बेटा सेक्शन 223, अब छोटे छोटे सेक्शन है बेटा,
कॉन्ट्रावेंशन की लिस्ट थोड़ी देर में दिखा देता हूँ, मैं कुछ भी बोलूँ फिर भी आपको याद नहीं होगा। आपको याद करना है बेटा सेक्शन 221 में और सेक्शन 222 में कंपनी के लिए सेम पेनल्टी है, 1,00,000 और 25,00,000 तक का कॉन्ट्रावेंशन पेनल्टी सेम है, लेकिन ऑफिसर्स के लिए दोनों में अलग अलग पेनल्टी, आप देख रहे हो ऑफिसर्स के लिए दोनों में 1,00,000 अलग अलग पेनल्टी है। 221 में बोलता है ऑफिसर कॉन्ट्रावेंशन करेंगे तो 3 साल तक की सजा, 10,000 से 5,00,000 तक की फाइन, और 222 बोलता है बेटा ऑफिसर्स कॉन्ट्रावेंशन करेंगे तो 6 महीने तक की सजा या 25,000 से लेकर 5,00,000 तक की फाइन। किस में 3 साल तक की 50,000 से 5,00,000 तक की, कंपनी के लिए 1,00,000 से 20,00,000 तक की, और इम्प्रिजनमेंट और 222 में 6 महीने तक की या 3,000 से 2,00,000 तक की, पक्का याद रहेगा। चलो अब पढ़ते हैं बेटा हम सेक्शन 223, ठीक है, ये भी मैंने बहुत समरी करके छोटे में खींच दिया, देख रहे हो आपको बहुत छोटा है, बहुत इजी रहेगा। सेक्शन 223 की बात होती है इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाना और इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट। अरे सर हम भी तो यही सोच रहे थे, 207 का इंस्पेक्शन किया था, 207 में इंस्पेक्शन से इंक्वायरी किया था, उसका 208 में रिपोर्ट बन गया था, और सर अभी तक आप इतने इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो उसका रिपोर्ट कहां बनाओगे? उसका रिपोर्ट बनता है बेटा यहाँ पे 223 में, 210 का 223 में रिपोर्ट बनेगा, 212 का 223 में रिपोर्ट बनेगा, 213 का 223 में रिपोर्ट बनेगा, 216 का 223 में रिपोर्ट बनेगा, 218 का 223 में रिपोर्ट बनेगा, पक्का समझ रहे हो। और सेम बात है बेटा कि जो भी इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनेगा उसमें कंपनी का सील रहेगा जिनका इन्वेस्टिगेट किया गया है, या फिर कोई भी पब्लिक ऑफिसर्स होंगे, ठीक है, जिनके कस्टडी में रिपोर्ट रखा जाने वाला है उनका सील होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तभी ऑथेंटिकेट माना जाएगा जब कंपनी का सील हो जिसका इन्वेस्टिगेशन किया गया, और फिर उस पब्लिक ऑफिसर का सील सर्टिफिकेट अटैच हो जिसके कस्टडी में रिपोर्ट रखा गया है। सेम बात है बेटा कि सीजी मांगेगी तो इंटरिम रिपोर्ट देना पड़ेगा, और सीजी नहीं मांगेगी तो फाइनल रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। ये दो बहुत छोटी सी चीज थी बेटा, अब मैंने लिख दिया था बेटा, देखो नोट वन क्या लिखा है, दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू रिपोर्ट अंडर सेक्शन 212 ना बेटा, क्यों? सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी में पहले से लिखा हुआ है कि रिपोर्ट देना है, तो इसीलिए 212 में यहाँ नहीं लगता, वहां खुद ही लिखा हुआ है बेटा, ठीक है। और बोलता है कि इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट को एज ए लीगल एविडेंस माना जा सकता है किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में, पक्का याद रहेगा बेटा सेक्शन 223 की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो बनती है उसे एविडेंस माना जा सकता है किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में, ठीक है। अब पढ़ते हैं बेटा सेक्शन 224, सेक्शन 224 भी बहुत छोटा है, ठीक है, पढ़ लेते हैं क्या बोलता है सेक्शन 224। ये बेटा बोलता है देखिए एक्शन टू बी टेकन इन पर्सन टू इंस्पेक्टर रिपोर्ट, बेटा मैं शॉर्ट में खत्म कर देता हूँ, बोलता है कि सारे 223 की इंस्पेक्टर रिपोर्ट मिलने के बाद, 223 की इंस्पेक्शन रिपोर्ट मिलने के बाद अगर सीजी को लगता है कि कंपनी को प्रोसिक्यूट करना चाहिए तो कंपनी के पर्सन किसी भी पर्सन को या डायरेक्टर्स को या बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी को प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, या उनको लगता है सीजी को लगता है कि कंपनी को वाउंड अप कराना चाहिए तो कंपनी का वाउंड अप भी यहाँ पे हो सकता है, याद रखेगा बेटा आप कंपनी का वाउंड अप भी करा सकते हो। लेकिन बेटा याद रखना कंपनी को बंद कराने का मतलब ये नहीं है कि कंपनी में कोई पुरानी प्रोसीडिंग कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा होगा तो ये भी खत्म हो जाएगा। 224 में याद रखना बेटा इंस्पेक्शन रिपोर्ट देखने के बाद अगर सीजी वाउंड अप कराना चाहता है करा दे, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि कोई इन्वेस्टिगेशन अगर चल रहा होगा तो वो बंद हो जाएगा, पक्का याद रहेगा बेटा। चलो चलिए लिखा है बेटा 224 में, आगे बार पढ़ लेना बेटा, ठीक है। 220 में आपको थोड़ी दिखा देता हूँ, झलक दिखा देता हूँ, तो आगे बार पढ़ लेना आपको, ठीक है, ठीक है, पढ़ लेना बेटा। अब आते हैं सेक्शन 225 से बेटा, ना बेटा सेक्शन 225 बोलता है एक्सपेंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन शैल बी बोर्न बाय, जो भी इतने खर्चे हो रहे हैं इन्वेस्टिगेशन का कौन बोर्न करेगा? बेटा याद रखना जो भी इंस्पेक्शन से खर्चे होते हैं पहले सीजी क्या करेगा, इंस्पेक्टर को पैसे दे देगा। देखो मैंने नोट में लिखा है, नोट पढ़ेंगे, इंस्पेक्टर हु कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन शैल बी गिवन सीजी, उसका उनका खर्चा कौन देगा? सारा सीजी देगा, आफ्टर दैट ऑल एक्सपेंसेस शैल बी कवर्ड फ्रॉम पार्टी एबव पार्टी, ताकि उसके बाद सीजी को जो भी खर्चे हुए सारे किनसे रिकवर करेंगे? एबव पार्टी से। एबव पार्टी मतलब सुनना कौन कौन, जो पर्सन या बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी कन्विक्टेड हुए उनसे लेगा पैसा, क्या प्रोसिक्यूशन चला ही नहीं था तो जो भी एप्लीकेंट था से लेगा,
क्या जो भी कंपनी के मैनेजर थे या डायरेक्टर्स थे, कंपनी को जितना हद तक लगेगा उनसे लेगा। मतलब प्रोजिक्यूशन हुआ तो जो कन्विक्टेड है उनसे लेगा, प्रोजिक्यूशन नहीं हुआ तो जो पर्सन एप्लीकेशन कर रहा था उनसे लेगा। क्योंकि मैंने याद करो, आप बार बार पढ़ते आ रहे हो, 214 में भी पढ़ा कि सिक्योरिटी देनी पड़ती है, और सिक्योरिटी कितनी होती है, 25,000 तक होता है। और वो क्या लिखा था, इफ इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट इनटू प्रोजिक्यूशन, तो सिक्योरिटी रिफंड करना था, प्रोजिक्यूशन नहीं होता तो रिफंड नहीं मिलेगा। यही था, यही लिखा है बेटा। अगर प्रोजिक्यूशन होगा ही नहीं तो उनका पैसा रिकवर, उनका पैसा क्या कर जाएगा, रख लिया जाता है, क्योंकि वो इंस्पेक्टर को पे करना है। इसीलिए ये लिखा है बेटा 225 में, पक्का याद रहेगा। चलो अब पढ़ते हैं 226 बेटा। 226 बहुत छोटा सेक्शन है बेटा। क्या बोलता है 226 बोलता है कि नो इन्वेस्टिगेशन शैल मेड अंडर दिस सेक्शन शैल गेट स्टॉप, नाइदर एनी लायबिलिटी ऑफ ऑफिसर और डायरेक्टर शैल बी स्टॉप मेरली बाय द रीजन दैट एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 241 इज मेड ऑर्डर ऑफ वॉलंटरी अंडर बी पास बाय द कंपनी या अदर एनी अदर प्रोसीडिंग ऑफ वंडर हैज बीन मेड। शॉर्ट में बोले बेटा 226 ये बोलता है कि 224 में आपने ऑर्डर पास कर दिया है कि कंपनी को आप वंड अप कर दो, या 241 में ऑर्डर पास हो गया है ट्रिब्यूनल के द्वारा कि कंपनी को बंद करना बहुत जरूरी है। याद करो 241 ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट में जब ऑर्डर कर जब एप्लीकेशन देते थे मेंबर्स, 244 के एलिजिबल मेंबर जब 241 में एप्लीकेशन देते थे तो ट्रिब्यूनल को 242 में पावर दिया गया था वंड अप करने का। तो यही बोल रहा है कि एप्लीकेशन भले वंड अप का मिल गया हो या कंपनी खुद वॉलंटरी वंड अप कराना चाह रही है, कंपनी चाह रही होगी लायबिलिटी से बचने के लिए, तो बोलता है कुछ भी हो जाए पुराने इन्वेस्टिगेशन बंद नहीं होंगे और डायरेक्टर की अगर कोई लायबिलिटी होती है तो लायबिलिटी खत्म नहीं होगा। ठीक है, यही बोलता है बेटा, शॉर्ट में याद रखना। ठीक है, अब 227 देखते हैं बेटा क्या बोलता है। 227 बोलता है बेटा नो बैंकर्स या लीगल एडवाइजर्स ऑफ द कंपनी शैल नीड्स टू डिस्क्लोज एनी इन्फॉर्मेशन टू ट्रिब्यूनल रजिस्ट्रार या सीजी। मतलब जिस कंपनी का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उस कंपनी के बैंकर्स को लीगल एडवाइजर्स को कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि उनको जबरदस्ती नहीं है कि उनको सीजी को या ट्रिब्यूनल को या फिर रजिस्ट्रार को सारे इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करना है कंपनी के रिगार्डिंग। ठीक है, उनको कोई प्रेशर नहीं है, उनको डायरेक्ट मना कर रखा है, क्योंकि यार बैंकर का काम क्या होता है, ऑर्डिनरी बिजनेस में काम करना होता है, उनके पास सारे इन्फॉर्मेशन होगा ही, लेकिन सीजी के कहने से डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। क्या रहेगा सेक्शन 227 में ये बोलता है कि कोई भी बैंकर या लीगल एडवाइजर को आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, भले वो सीजी क्यों ना मांग रहा हो, ट्रिब्यूनल क्यों ना मांग रहा हो। ठीक है, चलो अब बेटा बहुत दो सेक्शन है छोटे से, 228 और 229 पढ़ लेते हैं। 228 क्या बोलता है बेटा, इन्वेस्टिगेशन के चैप्टर की सारी बातें फॉरेन कंपनी पे भी एप्लीकेबल होता है। इन्वेस्टिगेशन चैप्टर की सारी बातें फॉरेन कंपनी पे भी एप्लीकेबल होता है, ये बोलता है सेक्शन 228। इतनी ही बातें बोलता है बेटा, विश्वास करो। देखो शॉर्ट में सेक्शन लिखा हुआ है, देखो इतनी शॉर्ट सेक्शन ही है, एक्ट में ही इतना छोटा लिखा हुआ है बेटा। देखो मैंने कुछ भी हटाया नहीं है, ये लिख दिया है कि ऑल सेक्शंस ऑफ दिस चैप्टर शैल आल्सो बी अप्लाई टू फॉरेन कंपनी। ठीक है, और 229 की बात मैंने पहले ही बोल दी थी। क्या बोल रहा था कि कोई भी इंप्लॉई या पर्सन या ऑफिसर्स या बॉडी कॉर्पोरेट अंडर इन्वेस्टिगेशन अगर उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दिया या इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की या फाड़ने की कोशिश की, फेंकने की कोशिश की, जलाने की कोशिश की, उनको फ्रॉड के लिए लायबल माना जाता है और पनिशेबल किया जाता है एज पर सेक्शन 447। पक्का याद रहेगा बेटा। तो ये आपका था बेटा, ये आपका था इन्वेस्टिगेशन चैप्टर्स। एक बार मैं स्पीड में रिकॉल करा दूं आपको इन्वेस्टिगेशन चैप्टर। ठीक है, मैं बेटा स्पीड में रिकॉल कराता हूँ, ध्यान से सुनना बेटा क्या लिखा है मैंने। सेक्शन 206 में आपने रजिस्ट्रार ने क्या किया, बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किया, बार बार प्रोड्यूस किया अगर उनको सही नहीं लग रहा था तो। और उसके बेस में सेक्शन 207 में क्या हुआ, इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी हुई। 208 में रिपोर्ट बना बेटा, इंस्पेक्शन इंक्वायरी जो भी हुआ था उसका रिपोर्ट बना। 209 में सर्च एंड सीजर हुआ, कितने दिन के लिए, 180 दिन के लिए, और फर्दर 180 दिन के लिए और हो सकता है। 210 में तीन लोगों के कारण इन्वेस्टिगेशन हो रही थी अफेयर्स ऑफ द कंपनी में। तीन लोग कौन कौन थे, रिपोर्ट अंडर सेक्शन 208, एसआर पास बाय द कंपनी, या कंपनी को पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरी था इन्वेस्टिगेशन कराना। और वहां पे लिखा हुआ 210 में कि 25,000 तक की एप्लीकेशन एप्लीकेंट को सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा और वो रिफंड हो जाएगा अगर इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट्स इनटू प्रोजिक्यूशन है तो। 211 में एसएफआईओ बनी, जो कौन थे, हेडेड बाय डायरेक्टर्स और सच नंबर ऑफ एक्सपर्ट थे, और डायरेक्टर की क्या थी, नॉट बिलो द रैंक ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी। 212 में सेम तीन केस, और एक और था, एनी डिपार्टमेंट ऑफ सीजी और एसजीबी अगर लेटर देते हैं
तो भी सीजी क्या करेगा, एसएफआईओ के द्वारा इन्वेस्टिगेशन करवाएगी 212 में। 212 में किसी पर्सन को अरेस्ट करना है तो सीजी की परमिशन लाओ या डायरेक्टर ऑफ एसएफआईओ की परमिशन लाओ, अरेस्ट कर सकते हो, लेकिन अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर एक्सक्लूडिंग जर्नी पीरियड आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के पास जमा करना पड़ेगा, ठीक है, सबमिट कर देनी पड़ेगी, उस पर्सन को भेज देनी पड़ेगी, और उस पर्सन की कोई भी मटेरियल जो भी आपके पास है वो भी सील्ड एनवेलप में उसको देना पड़ेगा, ठीक है। अब सेक्शन 212 में कोई पर्सन पकड़ा जाता है उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाता है, ठीक है, और रिलीज नहीं हो सकते बेल में। बेल में रिलीज तभी हो पाएंगे अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट हुआ है और उसके पास रीजनेबल ग्राउंड है और सीजी को भी लगता है कि ये बंदा गलत नहीं है, या फिर स्पेशल सीजी सॉरी कोर्ट को लगता है। और स्पेशल दूसरा केस क्या है कि कोर्ट सिक इनफर्म वोमेन या पर्सन बिलो 16 इयर्स एज, इनको भी बेल में रिहा कर सकता है। ये 212 में लिखिए बेटा। और 213 में क्या लिखा है कि ट्रिब्यूनल चाहे तो अगर एप्लीकेशन मिलता है, ठीक है, इनकेस ऑफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल तो 1/10 और 100, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल तो 1/5, तो ट्रिब्यूनल भी क्या कर सकता है, एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर सकता है फॉर इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ द कंपनी में। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर कंपनी की ऑब्जेक्ट सही नहीं है, वो डिफर कर रहा है क्रेडिटर्स को, मेंबर्स को या पब्लिक इंटरेस्ट में, या कंपनी अनलॉफुल तरीके से काम कर रहा है, या जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी वो गलत तरीके से काम कर रहे हैं, या कंपनी ने मेंबर्स को इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा रिगार्डिंग अफेयर्स ऑफ द कंपनी, तो सेक्शन 213 में क्या कर सकता है, इन्वेस्टिगेट करवा सकता है ट्रिब्यूनल, ठीक है। यहाँ पे ट्रिब्यूनल क्या करेगा, सीजी को देगा, सीजी क्या करेगी, वन और मोर पर्सन अपॉइंट करेगी एज इंस्पेक्टर। 214 में क्या बोलता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करता है कि 25,000 तक की डिपॉजिट देना पड़ेगा जो कि रिफंड हो जाएगा अगर इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन में रिजल्ट हो गया तो, अगर प्रोसिक्यूशन में रिजल्ट नहीं हुआ तो रिफंड नहीं होगा, ठीक है। और ये 25,000 किसको देना है, एप्लीकेंट को देना है। 215 क्या बोलता है बेटा, 215 बोलता है सर कि इंस्पेक्टर कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट फर्म एओपी या एसोसिएशन ऑफ पर्सन नहीं बन सकता, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल होते हैं, ठीक है। 216 क्या बोलता है सर, ऑनरशिप ऑफ कोई पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर ऑनरशिप ऑफ द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ द कंपनी, या कोई पर्सन जो मैटर इन्फ्लुएंस कर रहे डिसीजन ऑफ द कंपनी, इन पे भी ट्रिब्यूनल चाहे तो इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है लेकिन सीजी के परमिशन के बाद, ठीक है। 217 क्या बोलता है सर, पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। 218 क्या बोलता है सर, 218 क्या बोलता है बेटा, बोलोगे सर इन्वेस्टिगेशन इनटू, मैं ही खुद भूल गया क्या, दो मिनट बेटा मैं रिकॉल कर लूं एक बार। 218 क्या बोलता है, 218 बोलता है बेटा सॉरी 219 बोलता है इनटू रिलेटेड कंपनी, ठीक है। 218 क्या बोलती है, किसी को याद आ रहा हो प्लीज बताना आप, ठीक है। 218 बोलता है आपको बेटा, 218 में भी एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन ही है, ठीक है, क्योंकि 217 के बाद इन्वेस्टिगेशन था, 216 में ऑनरशिप में था, तो 218 में क्या होगा, सॉरी 218 में इन्वेस्टिगेशन नहीं है बेटा, सॉरी 218 में क्या है कि प्रोटेक्शन दिया गया है एम्प्लॉय को बेटा, कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कोई एम्प्लॉय पकड़ा जाता है कि उसने कोई गलती कर रखा था या गलती कर रखा है, तो कोर्ट सॉरी तो कंपनी उस एम्प्लॉय पे एक्शन नहीं ले सकती अंटिल एंड अनलेस उन्होंने एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल से उनको ना दिया हो, और ट्रिब्यूनल ने 30 दिन के अंदर रिप्लाई दे देगा, तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग चलो, रिप्लाई नहीं दिया तो आपका मर्जी, आप एक्शन ले लो, ठीक है। लेकिन अगर ऑर्डर दे देता है और कोई एम्प्लॉय एग्री होता है तो वो अपील कर सकता है 30 दिन के अंदर अपीलेट ट्रिब्यूनल को, ठीक है। और लेकिन अपीलेट ट्रिब्यूनल जो भी ऑर्डर पास करेगा वो फाइनल माना जाएगा, उसके बाद फर्दर अपील पॉसिबल नहीं है। 219 क्या बोलता है, रिलेटेड कंपनी की बात करता है। रिलेटेड कंपनी कौन कौन, तीन कौन कौन, एनी बॉडी कॉर्पोरेट जो एनी टाइम होल्डिंग या सब्सिडरी थे प्रेजेंट कंपनी के, एनी बॉडी कॉर्पोरेट जिसका मैनेजिंग डायरेक्टर या केएमपी या मैनेजर इस कंपनी का, प्रेजेंट कंपनी का केएमपी मैनेजर या मैनेजिंग डायरेक्टर है, या कोई भी पर्सन जो किसी भी टाइम कंपनी को मैनेज कर रहा था, इन तीनों लोगों पे इन्वेस्टिगेशन 219 में हो सकता है, लेकिन सीजी का परमिशन लेने के बाद ही। यहाँ पे 219 में सीजी का परमिशन लेना पड़ेगा। अब 220 क्या बोलता है बेटा, याद करो, 220 बोलता है सर कि सर्च, यहाँ भी सर्च एंड सीजर कर सकते हो, लेकिन पीरियड क्या है, पीरियड बोलता है पीरियड एनी पीरियड बिफोर कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन खत्म होने से पहले आपको बुक्स वापस करनी है, कोई पीरियड फिक्स नहीं है यहाँ पे, 180 दिन का कोई पीरियड नहीं है। 221 क्या बोलता है सर, चार लोग अगर, तीन लोग के केस में, कौन कौन से तीन लोग हैं सर, कोई भी अगर पर्सन 241 में पर्सन ने अगर किया, या फिर सर सीजी ने, या फिर कोई भी क्रिएटर्स जिनके
लाख आउटस्टैंडिंग है, बैलेंस है, तो अगर ये कर रहे हैं ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन, तो ट्रिब्यूनल क्या करेगी, इनका कर देगा क्या फ्रीज एसेट को, सॉरी 221 एसेट फ्रीज कर देगा। एसेट फ्रीज कितना तक कर पाएगा, ओनली ओनली 30 दिन के लिए, पक्का याद रहेगा बेटा। चलो अगला पढ़ते हैं 222, और 222 क्या बोलता है बेटा, 222 बोलता है कि सर, 222 बोलता है सर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है अर्न सिक्योरिटीज पे, कितने साल, 3 साल तक के लिए, 3 साल तक के लिए। रिस्ट्रिक्शन किसको देके लगाएगा, इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 216 को देखने के बाद, ऑनरशिप इन्वेस्टिगेशन देखने के बाद ही रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, कितने पीरियड तक के लिए सर, 3 साल तक के लिए, पक्का याद रहेगा। चलो अब पढ़ते बेटा 223 क्या बोलता है, याद है आप लोगों को, फिर याद कराओ सर, इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट बनेगा, सीजी मांगेगा तो इंटरिम रिपोर्ट, अगर नहीं मांगेगा तो डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद फाइनल रिपोर्ट, और ऑथेंटिकेशन तभी माना जाएगा रिपोर्ट का जब उसको क्या करो, जिस पर्सन इन्वेस्टिगेट हुआ, जो जो कंपनी इन्वेस्टिगेट हुआ है, जो कंपनी इन्वेस्टिगेट हुआ है उसी कंपनी का क्या कहो, सील लगाओ, या फिर कोई भी अगर पब्लिक वो है, ठीक है, कोई भी अगर पब्लिक ऑफिसर से उनका क्या लगाओ, उनका जुडिशियल पेपर लगाओ, तभी क्या माना जाएगा, ऑथेंटिकेट माना जाएगा, ठीक है। और 224 क्या बोलता है बेटा, सर 224 बोलता है सर, देखो मैं खुद भूलता जा रहा हूँ, ठीक है, तो यार ऐसा कैसे पॉसिबल है, आप लोग एक बार में याद हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए टेंशन मत लेना, बार बार रिकॉल करना, याद हो जाएगा। और 224 क्या बोलता है बेटा, याद करना, एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा, 223 में रिपोर्ट बनी, 224 में क्या होगा सर, 223 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा सर, उनको अब पेनलाइज किया जाएगा, डायरेक्टर्स या ऑफिसर जो भी पकड़े गए या कंपनी जो भी पकड़ा गया उनको पेनलाइज किया जाएगा, यहाँ पे वाइंडिंग अप का ऑर्डर भी पास किया जा सकता है। 225 क्या बोलता है बेटा सर, 225 बोलता है कि सर जो भी एक्सपेंसेस है, खर्चे खर्चे हुए हैं उनके पैसे, ठीक है, कौन बियर करेगा, तो अगर प्रोसिक्यूशन हुआ तो जो पार्टी पकड़ा गया वो बियर करेगा, या जो कंपनी पकड़ा गया वो बियर करेगा, अगर प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ तो जिसने एप्लीकेशन किया था वो बियर करेगा, या अगर सीजी को लगता है तो कंपनी से की मैनेजिंग डायरेक्टर से भी ले सकता है, या डायरेक्टर से भी कुछ पैसा ले सकता है। 226 क्या बोलता है बेटा, याद करो 226 क्या बोलता है सर, 226 बोलता है कि सर कोई भी कंपनी का अगर 241 में वंडअप पास हो गया, या वॉलंटरी वंडअप हो गया, या कोई भी वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास हो गया, इस ऑर्डर पास होने से किसी भी डायरेक्टर्स, किसी भी मैनेजर्स या किसी पर्सन की लायबिलिटी एक्सटिंग्विश नहीं होगा, उनकी लायबिलिटी ऑब्लिगेशंस आज भी रहेंगी, या कंपनी की लायबिलिटी ऑब्लिगेशंस एक्सटिंग्विश नहीं होगा, या कोई इंस्पेक्शन चल रहा है तो इंस्पेक्शन खत्म नहीं माना जाएगा, वो इंस्पेक्शन आज भी चलेंगे, ठीक है। ये बोलता है कौन, 226। 227 क्या बोलता है बेटा, याद करो सर, 227 क्या बोलता है, याद करना बेटा एक बार, ठीक है सर, 227 बोलता है सर कोई बैंकर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या, ठीक है सॉरी, कोई बैंकर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या लीगल एडवाइजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी नहीं है कोई भी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करने की रिगार्डिंग कंपनी अफेयर्स, क्योंकि उनके पास तो पहले सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं, लेकिन डिस्क्लोज अगर कर दिया जैसे कोई भी क्लाइंट उस पर भरोसा, बैंक पे भरोसा नहीं करेगा, इसीलिए, ठीक है। 228 क्या बोलता है सर, इंस्पेक्शन का सारा चीज, ठीक है, फंड कंपनी में भी एप्लीकेबल है। और 229 क्या बोलती है सर, अगर कोई पर्सन ने फॉल्स इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया, या किसी भी इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, जलाने की कोशिश की, फाड़ के फेंकने की कोशिश की, तो उनको फ्रॉड के लिए रेस्पॉन्सिबल माना जाएगा, और अंडर सेक्शन 447 माना जाएगा, ठीक है। ये बेटा आपके सेक्शंस खत्म हुए 206 से लेकर 229 तक, ऑपरेशंस एंड मिसमैनेजमेंट। मैंने होप मैंने 2 घंटे में सारे चीजें कवर की, एक भी सेक्शन कोई भी चीज मैंने छोड़ने की कोशिश नहीं की, और आप लोग बेटा अच्छे से पढ़ना, ठीक है, बेस्ट विशेस मेरे तरफ से, ठीक है। चलो हैव अ गुड डे, बाय। लेकिन साथ साथ बेटा क्वेश्चंस लगा लेना, क्वेश्चंस बैंक से, ठीक है, चैप्टर के साथ साथ, इसको पेंडिंग मत रखा करना कभी भी।